चलो ना दीदी माइक में। उसमें मैं वंदना की करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे आह चिंतन जिनसे दिशा हमको मिले, से हो मानव सुखमय जिनसे दिशा हमको मिले, नित मानवीय मार्ग की पथ मिला निश्चित हमें थी, कामना जिस मार्ग की कृतज्ञता से सौम्यता की नित आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनका है चिंतन शुभ यही कैसे हो मानव सुखमयी, प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी, श्रद्धा समर्पित जिनसे आई मानवीय परंपरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, सबके सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना, निकले जिनसे मानवीय पर हेतु निश्चित योजना, पूजता उन्हें तू जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। भैया 36 में पहला पैराग्राफ एक और दूसरा भी, हम लोग कल 35 तक पहुंच गए क्या? अच्छा, कितने दिन बचा है भैया? उसके पहले एक और क्वेश्चन था। हाँ, ये पेज नंबर 14 में 10 है, 4 दिन। ठीक, ये 14 में एक लाइन दी है, पेज नंबर 14 में। 14 में? हाँ हाँ जी, नीचे से 2, 4, 3, 5, 3, 8 नौवीं लाइन है नीचे से ऊपर में। दिव्य मानव, देव मानव और मानवीता पूर्ण मानव ब्रह्मानुभूति अर्थात सह अस्तित्व अनुभूति संपन्न है, और मानव में भी ब्रह्म भासता है,
और अभ्यास दर्शन में 51 पेज में दिया था चिदानंद और ब्रह्मानंद, तो उसमें मानव देव मानव देव मानव तीनों में अलग अलग स्थिति बताई थी, इसमें तीनों को एक ही बोला जा रहा है। अब उसमें अभ्यास दर्शन पढ़े थे 51 पेज में दिया था, हाँ अभ्यास दर्शन 51 में दिया था कि चिदानंद और ब्रह्मानंद से अलग अलग स्थितियां दी थी तीनों मानव की जागृत स्थिति में, इसमें एक ही बोला गया है, ये थोड़ा सा समझना था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ये सेट करना पड़ेगा, इसीलिए कल अच्छा वो गोल हो गया। आपके नोट्स में देखिए, अध्ययन की विधि में पहले मानवतापूर्ण जीवन का विकसित चेतना के रूप में ज्ञान होता है तथा उसके समुचित आचरण को करते हैं, इसको वन ए लिखा था मैंने, याद है? टू ए में ये लिखा था कि देव चेतना का ज्ञान होता है, उसका समुचित आचरण करते हैं। थ्री ए में लिखा था कि देवी चेतना का ज्ञान होता है, मतलब अनुभव होता है, तो अनुभव पूरा हो जाता है। ठीक, अब सोचिए कि एक आदमी को अनुभव हो गया है ना, मैंने आप से ये भी कहा था और इसको हम बार बार ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी दर्शन जो लिखी जाती है उसका अधिकांश पक्ष समय काल से बाधित नहीं होता। तो 18 वर्ष की आयु में एक आदमी या 20 वर्ष की आयु में दर्शन वार शास्त्र को पढ़ लेता है, घर परिवार में वो परंपरा भी रहती है, उत्पादन की भी सुलभता रहती है, विनिमय की भी सुलभता रहती है, माता पिता ने ही जीवन ज्ञान को समझाया है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को समझाया है, है ना, और लोकल में अखंडता की ही मैंने व्यवस्था का जो है उत्सव होता है ना, और कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, कोई चोरी नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, वो दुनिया है। अब उसमें एक आदमी को 20-22 या 30 या 35 में भी मान लो अनुभव यदि होता है किसी डिस्टेंट फ्यूचर में, है ना, उसके बाद वो क्या करेगा? तो सर्वप्रथम वो जिस परिवार में है उसी में अपने अनुभव को प्रमाणित करेगा। अनुभव को प्रमाणित करने का मतलब क्या है? पहले से वो जी रहा था उसको, क्योंकि घर परिवार में सारी चीजें हैं ही, या तो अध्ययन पूर्वक जी रहा था या बोध पूर्वक जी रहा था, उन्हीं चीजों को अनुभव पूर्वक जिएगा, मतलब शुद्ध प्रमाण दे पाएगा, मतलब उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होगी। अनुभव के पश्चात जो जीना है उसमें कोई भी त्रुटि नहीं रहता है, उसके पहले कोई ना कोई त्रुटि भावी रहता है। अब वो क्या त्रुटि है उसको हम छोड़ देंगे, वो हमारे लिए शोध का एक मुद्दा बनेगा आगे। तो वो फिर 3A में आ गया, अब वो क्या करेगा? 1B में जिएगा, मतलब मानव चेतना का प्रमाण देगा। उसके बाद क्या करेगा? 30-40 का हो गया, घर की अर्थव्यवस्था सेट हो गई, बाल बच्चे बड़े हो गए, अब उसके पास फ्री टाइम है, है ना, 40-45 का हो गया, 50 का हो गया, अर्थव्यवस्था सेट हो गई, बच्चे छोटे थे बड़े हो गए, अब वो जाके बाहर समाज के लिए फ्री टाइम में क्या करेगा? वो पिक्चर तो देखना नहीं है उसको, तो करेगा क्या? स्कूल में जाके कुछ काम करेगा, कुछ शोध पत्र लिखेगा, है ना, स्वास्थ्य का कोई सेंटर खोलेगा, कोई बाहर जाके रायपुर जाएगा और पूरे रायपुर क्षेत्र के लिए जो एक्सचेंज का सिस्टम है वो बढ़िया से काम कर रहा हो कि नहीं, तो वॉलंटियर करेगा वो। ये वॉलंटियर होता है, वॉलंटियर वो आदमी होता है जो समाज के लिए कोई भला काम करता है और बदले में कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं लेता है, मतलब ठीक। तो एक समय में वो ये भी कर लेता है, 50-60 की आयु का हो गया, ठीक, ये सारी चीजें में भी करके वो तृप्त हो गया, मतलब पहले से ये चीजें हैं और वो भी उसमें भागीदार हुआ। फिर 60-65 का हो गया तो शरीर थोड़ा सा है ना विरचित होना शुरू हो जाता है, तो क्या करेगा? बैठा रहेगा, ये मुकुंद जैसे, इनके जैसे, इनके जैसे, इनके जैसे नौजवान आएंगे कि दादाजी बोलो आप जीवन में क्या किए अभी तक, है ना, इसको मैं कैसा समझूं, पूरे दिन बैठ के समझाते रहेंगे, ये केवल उपकार, ठीक है, या मेरे उत्पादन में प्रॉब्लम आ गया, मैं क्या करूं, आपने जब किया तो उसमें प्रॉब्लम क्या आई थी, उस साल बाढ़ आई थी, कहाँ बेटा बाढ़ आया था, तो उसमें काम करो, तुम यहाँ पर दीवार बना दो और नेक्स्ट टाइम से धान को इस समय बोना, वो फ्री है, सोसाइटी के लिए फ्री कंसल्टेंट हो गया, मुक्त व्यक्ति है, क्योंकि उनके बच्चों का विवाह हो गया, पोता पोती हो गया, ठीक।
अभी भी यदि हम बूढ़े लोगों को देखेंगे अधिकतर यदि वो बिल्कुल ही सिटी में फ्लैट में भी गिरफ्त नहीं है, गांव में है या ऐसे एक व्यवहारिक सिचुएशन में उनका काम यही होता है ना, दीपावली का ये जो मिठाई बनाना है जाके दादी जी को पूछते कैसे बनाना है, तो ठीक है मैं तुमको बताती हूँ कैसे। तो वो परंपरा का जो शिक्षा के एक ट्रांसफर का जो प्रोसेस है, जो इनफॉर्मल शिक्षा है, फॉर्मल शिक्षा तो यहाँ से मिल गया, इनफॉर्मल शिक्षा इस विधि से मिलती है। नागराज जी के भी जीवन को देखेंगे तो 1980 तक उनका हाथ पैर चलता रहा, मतलब 80 की आयु तक, उसके बाद वो बैठे ऐसा। तो दिव्य मानव प्रमाण मतलब क्या है, वो ऐसा बैठा है, सामने चार आदमी बैठा रहेगा, चल रहा है ना, इसको कुछ बोल दिया, उसको कुछ बोल दिया, इसको डांट दिया, इसको भगा दिया, मतलब उपकार, जो डांटा उसके लिए भी उपकार, इसको तुम बढ़िया हो ये भी उपकार, इसको प्रोत्साहन दिया ये भी उपकार, इसको बोला तुम नौकरी कब छोड़ रहे हो वो भी उपकार, इसको बोल रहा है नौकरी कब लोगे ये भी उपकार, इसको बोल रहे तुम कुछ काम करो ऐसे बेला मत घूमो, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है वो उनको दिखता है, वो नेक्स्ट स्टेप के लिए फिर डायरेक्ट प्रोत्साहन देंगे, वो पुस्तक में नहीं लिखा रहता, पुस्तक में एक ही स्टेप है, वो टाइमलेस है, अनुभव के बाद पूरा टाइम यही करेगा। अनुभव के बाद तो तीनों करेंगे, उत्पादन भी करेंगे, व्यवहार भी करेंगे, वही कहा ना 1B 2B, ये 3B की बात हो रही है, ठीक। अब ये देखिए ये जो लाइन यहां पर लिखा अनुभव दर्शन में, मानव देव मानव तथा दिव्य मानव ब्रह्मानुभूति संपन्न है, तो ये स्थिति क्या है, 3A स्थिति की बात हो रही है, क्योंकि 3A के बाद 1B 2B 3B मानव चेतना देव चेतना दिव्य चेतना का प्रमाण, ये एक एलिगेंट फॉर्मूला है, ये आपको काम करेगा, ये बड़े मुश्किल से मिला है, ठीक है ना, मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये फॉर्मूला को प्राप्त करना आसान मेरे लिए तो आसान नहीं रहा है, काफी माथा पच्ची करके मिला, और उसको मैं कई वर्ष टेस्ट भी किया हूँ तभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो अभ्यास दर्शन में लिखा है, अब उस लाइन में जाते हैं, मान्यता पूर्ण मानव चिदानंद, मतलब चिदानंद का शुरुआत 1A में होता है, देव मानव में आत्मानंद 2A, दिव्य मानव में ब्रह्मानंद 3A, उसके बाद चिदानंद की निरंतरता 1B मानव चेतना का प्रमाण, ये लूप में है, दोनों विधि से चलेगा, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ऊपर भी चढ़ेगा नीचे भी आएगा, उसके बाद देव चेतना का प्रमाण 2B, उसके बाद दिव्य चेतना का प्रमाण 3B। तो चिदानंद का वो प्रमाण कैसे देगा, आप सोचिए, जैसे एक आदमी को अनुभव हो गया, उसके पहले चिदानंद जैसी स्थिति तो रहेगी, उसके बाद ही वो आगे बढ़ेगा, उसके बाद ही आगे अनुभव होगा, उसके पहले नहीं होगा। चिदानंद का मतलब क्या है, चित्त संतुष्ट हो गया, चित्त संतुष्टि होने के बाद ही बुद्धि में बोध संभव है, चित्त में उथल पुथल है, बुद्धि को कोई बोध पीत कुछ नहीं होने वाला है। जैसे मन में उथल पुथल है, क्या उथल पुथल है, वो लड़का अच्छा लग रही है, वो लड़की अच्छी लगती है, ये खाना अच्छा लगता है, उसका जमीन अच्छा लगता है, ये आदमी बेकार है, वो बेवकूफ है, इसको ऐसा बोलना था, उसको ऐसा बोलना था, तुमने ऐसा नहीं किया, इसका कोई वृत्ति में तुलन ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मन बाहर है, मन बाहर बिजी है ना, मन को उसमें मजा आ रहा है, तुमने क्यों नहीं किया, अच्छा तुम 10 साल से अध्ययन करो, तुमको अभी तक बोध नहीं हुआ, इसको तुलन ही नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरों परावर्तन है ना, दूसरों को प्रभावित करने के लिए पूरा समय हमारा लग रहा है, या कम बताने के लिए लग रहा है, कम ही देख रहे हैं हम। ये स्थिर होके ये परानुषंगी है, पूर्वानुषंगी होने के बाद ही तुलन होगा, तुलन होगा तो ही साक्षात्कार की संभावना, उसके पहले कोई साक्षात्कार नहीं। हम 50-100 बार पढ़ लें, 1000 बार पढ़ लें, 10,000 बार पढ़ा लें, तुलन होना पड़ेगा, तुलन होने से ही साक्षात्कार होगा, ठीक। साक्षात्कार होके उसकी किसी स्थिरता के बिंदु में हम 1A में पहुंचेंगे, उसका नाम है अवधारणा। तो चिदानंद का शुरुआत होता है, उसके बाद 2A में पहुंचेंगे, आत्मानंद का शुरुआत होता है, उसके बाद अनुभव होता है, वो उसका नाम है ब्रह्मानंद, बराबर बोल रहा हूँ, अभ्यास दर्शन में वही लिखा है। अब ये क्या करेगा, तो इसका चिदानंद गोल हो जाएगा क्या, नहीं, चित्त में जो संतुष्टि मिल रही है उसी का नाम है चिदानंद, वो संतुष्टि पहले भी थी, अब अनुभव मूलक विधि से उसकी परमानेंसी आ जाएगी, ये बात समझ में आती है। ये किस में आया, 1B में, ठीक।
तो उस चिदानंद का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। चिदानंद का प्रमाण किस विधि से प्रस्तुत करेंगे? भाई परिवार में जीते समय एक बहुत बड़े वर्ग के साथ प्रतिदिन का दिनचर्या जो हर आदमी करता है, मेहनत करेगा, काम करेगा, बिल्डिंग बना रहा है, ट्रांसफॉर्मर बना रहा है, फैन का वाइंडिंग बना रहा है, डिजाइन कर रहा है ना, ये करते हुए परिवार में जीते हुए लोग ये देखेंगे यार ये आदमी मस्त है, विचलित नहीं होता है और संतुष्ट रहता है और काम भी कर रहा है, उसकी परमानेंसी है, कोई भी उसमें डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, शून्य डिस्टर्बेंस की स्थिति में आ गया हो, ये चिदानंद का प्रमाण है। ठीक है, आत्मानंद का प्रमाण व्यवहार में मिलता नहीं है, बाहर जाना है, ये चिदानंद में नहीं है, असंतुष्ट है। बच्चों का भी ये रहता है जहां लोग हैं वहीं घूमते रहना उनको। अभी हमने पुणे में एक गोष्ठी किया था, एक मनन गोष्ठी, हम 10-1 लोग थे, तो मेरे घर के बगल वाला घर खाली है उसी में किए थे, 4-3 मंजिले का घर है, पार्किंग है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, हम लोग फर्स्ट फ्लोर में बैठे थे, तो बच्चों के लिए बहुत सारे लोगों के ऐसे छोटे बच्चे थे, 2 साल के, 3 साल के, 1-4 का, तो हमने फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर में एक प्ले रूम जैसा बना दिया था, मेरी पत्नी और बेटी ने कुछ खिलौना रख दिया, वो बच्चा एक भी वो खिलौने में, वो हम जिधर बैठे थे उधर ही बीच में बैठा था, यही टैंट 5 दिन तो वो उधर ही, उसको उधर ही बैठ के ड्राइंग करना, अब वो पेपर को ऊपर ले तो फिर नीचे आ जाता है वो, तो अभी 5 दिन वही करके इधर आ रहा हूँ, वो 30 तारीख को 28 को पूरा हुआ, 2 को इधर आ, 3 को इधर आ गया मैं। ठीक है, तो आत्मानंद की निरंतरता बन जाएगी। तो आत्मानंद व्यवहार में प्रकट नहीं होगा, हमारी जीवन की कोई स्थिति होने से, ऐसे साथ में बैठने से ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के पास कोई बड़ी संतुष्टि है जो मेरे पास नहीं है, उसका नाम है आनंद। आनंद क्योंकि व्यवहार में प्रकट नहीं होगा, संतोष दिखेगा, है ना, एक आदमी संतुष्ट है मतलब उसके में आसक्ति रहित इच्छा है, या शांति में है या अशांति में, ये दिखेगा, या दुख में है या सुख में है, ये दिखेगा। दुख में है तो बोलने के लिए उसके पास अच्छा नहीं, ये भी बेकार है, ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, सब दुखी तो है, मतलब हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही, हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, दूसरे लोग नहीं कर पा रहे, वो क्यों नहीं कर पा रहा है इसको लेकर अशांति है ना, और मेरी बात के अनुसार वो नहीं हो पा रहे, असंतोष। ठीक, तो चिदानंद का प्रमाण, अनुभव मूलक प्रमाण इक्वल टू 1B, आत्मानंद का अनुभव मूलक प्रमाण इक्वल टू 2B, ब्रह्मानुभूति तो प्रमाण का मतलब वो आचरण पूर्णता का प्रमाण, तो ये तीनों का अधिकार एक साथ अनुभव में आ जाता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है मानव देव मानव दिव्य मानव तीनों को ही ब्रह्मानुभूति ज्ञान के रूप में एक ही होता है, क्रम से व्यक्त होता है। अभ्यास दर्शन को दोनों विधि से पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन विधि से भी होगा और अनुभव मूलक विधि से व्यक्त होने में पूर्णता होगी, निरंतरता आएगी। जैसे आनंद की निरंतरता अनुभव के पूर्व नहीं है, इसका मतलब आनंद बिल्कुल नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, उसका तात्पर्य क्या है ये सोचना पड़ेगा। यह संतोष की निरंतरता आनंद के साथ ही है, जैसे सुख की निरंतरता शांति के साथ ही है। भाई वृत्ति में हमको शांति होगा तभी तो मन में सुख की निरंतरता होगी, वृत्ति में यदि अशांति है तो उतना उतना दुख होते जाएगा, है? संतोष होने से शांति की निरंतरता, आनंद होने से संतोष की निरंतरता, है ना, परानंद होने से आनंद की निरंतरता अनुभव, फिर ये जो संतोष की, एक आदमी को अनुभव हो गया, एक आदमी आता मेरा पेट खराब है, उसको क्या बोलेगा? अनुभव ज्ञान बोलेंगे, नहीं उसका पेट ठीक करेंगे, ये सुख हो जाएगा, है ना, हमने अपने कर्तव्यों को ठीक किया। एक आदमी आता मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा पैसा चोरी करके ले गया, उससे बात करेंगे भाई क्या, तो वीरता का प्रदर्शन होगा। एक आदमी दिन भर उठपटांग सवाल ही पूछ रहा है, समझने के लिए नहीं पूछ रहा, तंग करने के लिए पूछ रहा है, कंफ्यूज हो जा रहा है, तो धीरता का प्रदर्शन होगा, करुण जगह ही नहीं बन रहा है। एक आके रो रहा है 5 साल हो गए अनुभव नहीं हो रहा है, ये नहीं, उसको सांत्वना देंगे, जाओ 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 ठीक है तुम जाओ थोड़ा सा और काम करो, धीरता का प्रदर्शन करेंगे। एक आदमी आके पूछता है बोध क्या होगा, उसमें दया का प्रदर्शन होगा, मतलब उसमें पात्रता है वस्तु देना है उसको। एक ही दिन में एक व्यक्ति अनुभव के पश्चात, समझ में आता है,
समझ में भले ही नहीं आता हो, अब एक बार सुन लीजिए, है ना। छह मानव स्वभाव है, धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा। एक ही दिन में एक व्यवहार का पूरा रेंज रहता है ना। फिर जिंदगी का एक फेज भी होता है, जैसे अभी अभी कोई मुझे सत्संग में बोलता, मुझे आपके आकर कोई मिलना चाह रहा था आज सवेरे, मैंने कहा आप सवेरे 8 बजे आ जाओ, ठीक है, मैं मेरे पास इतना फुर्सत नहीं कि बोला हाँ ठीक है अभी बैठ जाओ, नहीं, मेरे अंदर भी कोई कार्यक्रम है, मैं एक पुस्तक को एडिट कर रहा हूँ, मुझे 4 लोगों को मिलना है, मेरा अपना कुछ चल रहा है, उसमें मैंने एक स्लॉट बना दी, ठीक है। तो हमारी कुछ पारिवारिक व्यस्तताएं रहती हैं, उसमें फिर हम लोगों को अकोमोडेट करेंगे। मैंने बाबा जी को देखा, वो हर समय दरवाजा खुला, ऐसा टाइम बोल के कुछ है ही नहीं, आपको जब समझना है वही टाइम है। वो दिव्य चेतना का प्रमाण वो सब हो गया, बच्चे बड़े हो गए, दर्शन को लिख दिया, छप चुके हैं, उस समय कोई नहीं आता था। ये दर्शन जब लिखी गई तो उन्होंने अपने हाथ से नहीं लिखा, आप लाइब्रेरी में जाके देख सकते हैं, सारा स्कैन होके पूरी दर्शन की पूरी हिस्ट्री अपलोडेड है। तो नागराज जी कुछ अपने हैंड राइटिंग से लिखे हैं, बाकी तो डिक्टेट करते थे, जैसे अनुभव दर्शन वो खोपड़ी के अंदर पूरा है, लिखो सामने आप आए, क्या नाम है, फलाना है, कितने दिन के लिए, 4 दिन लिखना आता, हाँ ठीक है बैठो, उसे लिखा दिया, वो चले गया, ये आया इसे अनुभव दर्शन लिखा दिया, ऐसे समाधानात्मक भौतिक और 2 चैप्टर ये 3 चैप्टर इससे लिखा दे, ऐसे तो लिखी गई है बुक। उनका हाथ ऐसे हिलता था तो लिखने पर ऐसा होता था हाथ, वो समाधि के कारण वो हो गया था ब्रेन में। हाँ तो कुछ आपको उनके हैंड राइटिंग स्कैन में मिलेगी। तो उस समय जो कर्तव्य है, फिर घर परिवार 1972 में देखिए, मेरे अनुसार तो 72 में संयम हो गया था, 75 तक या 68 70 में हो गया, 70 और 72 के बीच में संयम को मानना पड़ेगा। 72 से 75 वो पूरा अंदर प्रोसेस होके देख रहे कि ये इसके साथ क्या करूं, मतलब इसका पैकेजिंग कैसा करें, नींबू का अचार बनेगा, गाजर का अचार बनेगा, हलवा बनेगा, क्या बनेगा, अंदर प्रोसेस हो रहा है, आदमी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आदमी को समझ में आएगा कि नहीं, कि बिल्कुल ही रॉकेट साइंस है कि सर के ऊपर से जाएगा, भाई उनको तो पता ही है ना कि ये कितने सालों बाद आ रहा है, ये दर्शन 3000 वर्ष बाद भारत में एक नया दर्शन प्रकट हो रहा है, 3000 ईयर्स। शंकराचार्य जी हुए हैं 1200 वर्ष पहले, बट उन्होंने नई दर्शन नहीं लिखी, उन्होंने वेदांत दर्शन पर भाष्य लिखा, जिसके पूरे के दर्शन को मानना पड़ेगा वेदांत दर्शन, है ना। अभी हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग, उनको लगता है उसमें भी यही लिखा है, ऐसा नहीं है, है? वो आधा अधूरा विद्वान का होता ही है ना। तो इसको वो लिखते हैं, तब उनको निर्णय लेना पड़ रहा है कि पुराने जैसे लिखूं कि नए लिखें। उन्होंने बोला मुझे बात को, मुझे खुद बोला है, हमको पहले लगा कि इसको वेदांत विधि से हम बताऊं, वो बोले कि यजुर्वेद में हम ऐसा वाक्य जानता हूं जिसके थ्रू ये कन्वे हो सकता है, लेकिन उसमें इतना जो कन्फ्यूजन है, कौन क्या बोलेगा, कौन सा लाइन सही है, कौन सा क्या गलत है। आप कोई भारतीय परंपरा के लाइब्रेरी में जाइए, जितना रूम है उतना शेल्फ आसमान तक भर दो, उसमें बुक्स को स्टैक कर दो, वो है पूरा ग्रंथालय। हमारे पास इतना है, इसमें हम बेहोश हो जा रहे हैं, सो लगता है अरे बाप रे, इतना पढ़ने के लिए है और इतना डायरी है। आप कोई भी, मैं श्रृंगेरी मठ गया हूँ जो बाबा जी का मैंने गुरु स्थान है, वहां पर एक अद्वैत शोध केंद्र है, ये हॉल का दुगना हॉल है, अद्वैत शोध केंद्र लिखा है ऊपर, अद्वैत शोध केंद्र, ठीक, ये हॉल का दुगना है। उसमें 4 ऐसे रैक होंगे 10-10 फुट का, वो दोनों तरफ पुस्तकों से भरा है। मुझे लगता है एक एक पुस्तक का हम नाम देखेंगे ना तो हमको 4 महीना लगेगा। इसको कौन सुलझाएगा, ये आसान थोड़ी है, नहीं होता है। तो उन्होंने निर्णय लिया नया दर्शन लिखना है, तो 75 से फिर लिखना शुरू किया। उस समय घर में आयुर्वेद का, क्योंकि घर का अर्थव्यवस्था पूरा चौपट हो गया था, साधना करते करते खाने को नहीं है, इस विधि से लगा ये तो दूसरा ही निकल गया, इसमें भक्ति विरक्ति से है नहीं रास्ता, तो समाधान समृद्धि है, समृद्धि को बनाओ फिर, तो खेती सेट करना, गाय को सेट करना, आयुर्वेद का औषधियों को बनाना, उसका पुड़िया बनाते थे बोलते बैठ के,
ट्रेडिशनल आयुर्वेद प्रैक्टिशनर, फिर बाद में कैप्सूल वाला सिस्टम आया, क्योंकि वो उतना कड़वा होता है, आदमी खाई नहीं. कैप्सूल क्यों है? आयुर्वेदिक औषधि में जो कड़वाहट है प्लस उसका मात्रा बराबर एक खुराक लेना पड़ता है, एक ग्राम या आधा ग्राम, लोग मेजर नहीं करते हैं ठीक से. औषधि बनाने का सिस्टम बनाया, जहां अवसर मिलता था वहां जाके दर्शन को बोलते थे. भिलाई में चले गए, बड़ोकर खुर्द बांदा तरफ चले गए, ना इधर रायपुर आते थे, फिर इधर एक राजन महाराज जी रहते हैं, अभी नहीं है वो, नंदिनी में जिनका घर है, उनका संपर्क हुआ, उनके थ्रू ये गायत्री परिवार लोगों का संपर्क हुआ. ये लोग गायत्री परिवार के भक्त थे, सोम भैया, अंजनी, बी आर, संकेत, चार लोग और भी लोग थे टीम में, मुख्य रूप से चार लोग. राजन महाराज ने इनको उनके संपर्क कराया. उसके पहले भिलाई जाते थे, जो भिलाई स्टील प्लांट और उधर एक बालको माइंस था अमरकंटक में, वहाँ के ऑफिसर्स बाबा जी से मिलते थे. ये लोग पढ़े लिखे लोग थे, बाबा जी परमाणु परमाणु में विकास बोलते थे, इनको लगता था कि क्या आदमी बोल रहा है. तो ऐसे तो बहुत लंबी प्रक्रिया है किसी चीज का प्रकट होना. तो कुल मिलाकर मैं जब मिला हूँ, उनकी एज हो गई थी, सो दिस इज 2006 में काम काज छोड़ के हर समय दरवाजा खुला. उसके पहले लोग बोलते थे कि शिविर जो शुरू होता था बाबा जी का, आप तो वीडियो देखे ही, धर 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 निकलता है ना फास्ट. ये ऐसा बोर्ड वोर्ड का सुविधा नहीं है कि आराम से बैठ के समझा रहे हैं, एक ही क्वेश्चन को दो बार बोल रहे हैं, वो निकल गया, जो निकल गया निकल गया, है ना. तो बोलते हैं कि शिविर तब शुरू होता था जब पहला आदमी जगा, और कब बंद होता था? जब आखिरी आदमी सोने गया. तो उसमें लोग आते जाते रहते थे, एक आदमी कंटिन्यूसली बोल रहा है. ये भाषा सुनाओ मैं मेरे सीनियर से, मतलब इस दर्शन में, जब पहला आदमी जगा शिविर शुरू सवेरे 3:30-4 बजे, आखिरी आदमी 11:30 बजे सो रहा है, तब तक चल रहा है, बीच में खाना पीना धोना चल रहा है. तो ये केवल उपकार, ये क्या है? उपकार. तो ये 3B हो गया, पूरा टाइम इसके लिए नियोजित कर रहे हैं. ये शक्ति उनमें 75 में भी थी, लेकिन उस समय उन्होंने घर गृहस्थी को सेट, तो उसमें चिदानंद का प्रमाण दे रहे हैं, संतुष्ट होके परिवार व्यवस्था में जी रहे हैं, ठीक है ना, जिम्मेदारी को निर्वाह कर रहे हैं, उसमें अधिक समय दे रहे हैं, उसके बाद समाज के लिए अधिक समय दे रहे हैं. तो दर्शन में लिखा भी है, देव मानव और दिव्य मानव ही शिक्षा में काम करता है. अभी हम लोग शिक्षा नीति करने जाते हैं, हमसे बनता ही नहीं, समझ ही नहीं आता शिक्षा में क्या करना, मेरे से तो नहीं बनता, खोपड़ी वहां तक जाता ही नहीं है ना, या खोपड़ी जाता है तो उसमें ये जाता है कि इसके बाद इसको जॉब मिलेगा क्या, ये खाना कैसे खाएगा, इसको साइंस पढ़ाना है कि नहीं, कैसा पढ़ाना है, 50 चीज सामने आ जाती है. तो ये दर्शन इन्फेंसी में है, बचपने में, इसलिए बोल रहा हूं आप लोग इसके संपर्क आए हैं, ना मूल्यवान समय 6 महीना 9 महीना ले रहे हैं. ये 9 महीना एक बूंद भी नहीं है एक दर्शन के ट्रेजेक्ट्री में, महत्वपूर्ण समय है, लेकिन इसका स्केल को यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हमको थोड़ा हमारे स्वयं से जो अपेक्षाएं हैं तथा आगे के लिए हम जो योजना बना रहे हैं उसके अनुसार हम सोच सकते हैं, ठीक है. हो गया ये 1A 2A 3A 1B 2B 3B, ये फॉर्मूला है, मेरी जिम्मेदारी पे आपको, बुक में कहीं लिखा नहीं है फॉर्मूला, लिखा नहीं है. जितना तक मैंने सारे लिखित और अलिखित वांग्मय को टेस्ट किया और श्रद्धेय बाबा जी का जितना भी ऑडियो मेरे स्मरण में है या मैं आगे देख पाता हूँ, ये फॉर्मूला उसमें काम करता है. इस फॉर्मूला के बिना क्लियर होना कठिन है कहाँ की बात हो रही है, ठीक है. आगे 36, होती है गिनने में, अभी कल जैसा हमने बहुत बिल्कुल होती है. अब जैसे साक्षात्कार हो रहा है तो चित्त के चिंतन क्षेत्र में हो रहा है, हवे में तो नहीं हो रहा है. हाँ, तो वो 17.6% है ना, 17.4% है हमारा प्रत्यावर्तन, हमने कैलकुलेट किया था ना, 1/3 आस्वादन प्लस हाफ तुलन इज इक्वल टू 5/6. 5/6 कितना परसेंट हो गया? 5/6 ऑफ 5 कितना हो गया? 17.6%, है ना. बट ये 17.6% एक भाव है, एक
गणितीय नंबर नहीं है, मतलब क्या हर आदमी में एग्जैक्टली वो 17.6 है, ऐसा नहीं है। किसी में लाभ अधिक है, किसी में हित अधिक है, किसी में प्रिय अधिक है, ठीक, किसी में रुचि मूलक अधिक है, एक माँ में मूल्य मूलक अधिक है, उस बच्चे के लिए प्रिय कम है, है ना। एक आदमी गलती से वेदांत दर्शन सुन लेता है, इस दर्शन को सुन लेता तो लक्ष्य मूलक अधिक हो जाता है, या अपने पूर्व संस्कार के अनुसार लक्ष्य मूलक अधिक हो जाता है, उसमें बहुत सारा रेंज आपको मिलेगा। तो क्या एक भी आदमी में न्याय का बिल्कुल ही दृष्टि नहीं है, क्या गया गुजरा है, कैसा नहीं है? आंशिकता में न्याय का भास तो होता ही है, या कुछ ना कुछ आभास होता ही है। कुछ लोगों को धर्म की चिंता रहती ही है, धर्म का मतलब ये लिखित झगड़ा वाला धर्म नहीं कि भाई मनुष्य का व्यवस्था कैसा होगा, तो घर बार छोड़ के कोई एनजीओ में चले जाता है ना, कोई कहीं काम करने चले जाता है। मनुष्य में सत्य की आंशिकता या सत्य का खोज या समझने की आवश्यकता रहती ही है, ठीक। वो किस रूप से समझ में आता है? एक आदमी बैठ के दर्शन शास्त्र को घर में बैठ के अपने आप पढ़ता है, या मैं तो कहूंगा कि वैज्ञानिक भी फिजिकल नियम को समझने जाते हैं, केमिकल नियम को समझने जाते हैं, है ना। वो भी तो सत्य का भाग ही है ना, क्या सत्य है? जैसे हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा, तो अस्तित्व में जितने परमाणु या प्रकृति पे जितने परमाणु हैं, इनका कैटेगराइजेशन के लिए सोच रहे हैं, ये प्रिय तो नहीं है, प्रिय दृष्टि ब्लेंड होगा, उसके बाद कोई आके उससे बात करेगा, वो झगड़ा कर लेगा, तो सत्य से प्रिय में शिफ्ट करेगा, या पीरियोडिक टेबल समझ में आ गई, अभी उसको बेचेगा, पैसा कमाने का सोचेगा घर से अधिक, तो लाभ की भी दृष्टि ब्लेंड हो सकती है, हित की भी दृष्टि ब्लेंड, तो बहुत सारा ब्लेंडिंग में हमको लोग दिखेंगे इसी 4.5 क्रिया में, ठीक है, दृष्टियों की ब्लेंडिंग। दूसरी चीज क्या दिखेगी? वृत्ति की क्षुब्धता, चित्त की क्षुब्धता, बुद्धि की क्षुब्धता, ये दूसरी चीज दिखेगी। इसके बाद जो साक्षात्कार, मतलब एक तो ये, दूसरा साक्षात्कार तुलन यदि होता है न्याय धर्म सत्य का, स्थिर होता है, तो 5वां क्रिया। ये 5वां क्रिया का मतलब मैथमेटिकल नहीं है, वो स्थान है, ये समझ में आता है। ये कई एक लोगों में मैं देखा हूं 8-10 वर्षों में, वो मैथमेटिकल हो जाता है, उससे उनको तकलीफ हो जाती है। उसके बाद साक्षात्कार बराबर 6 क्रिया में प्रवेश, ठीक है। 6 क्रिया प्रवेश होने से 7वां क्रिया में स्वीकृति होती है, आधा सात, आधा बोध, बुद्धि का आधे भाग में स्वीकृति होती है, उसके अनुरूप जीने का निष्ठा होता है, हाँ, तो हाफ इधर आएगा, फिर वो गुण, तो ये सब गुणात्मक विधि से होगा। सो व्हेन वी आर काउंटिंग क्रियाज, ये कल्पना देने के लिए एक दिशा है, एब्सोल्यूट नहीं है वो, एब्सोल्यूट भी है उसका कोई स्टेटस। तो ऐसा करके अवधारणा, उसके बाद क्रिया नंबर 8 और 9 पूरा होगा, 8 तक पूरा होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा, ऐसा है। जैसे क्रियापूर्णता शब्द है, इसका तात्पर्य मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, केवल मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है क्रियापूर्णता। हम क्या करते हैं, 4.5 क्रिया इक्वल टू जीव चेतना एंड क्रियापूर्णता इक्वल टू 10 क्रिया, मैथमेटिकल नहीं है वो फॉर्मूला। गठन पूर्णता मैथमेटिक्स नहीं है, एक तत्व है, उसका एक मैथमेटिकल नंबर है 61 अंश, समझने के लिए और तात्विक रूप में है भी। वैसे आचरण पूर्णता मैथमेटिकल नहीं है, आचरण पूर्णता में कोई मैथमेटिक, उसका मैथमेटिक्स क्या है, 122 आचरण गिनती में, बट वो पूरा एक ज्ञान है, ये समझ में आता है। चलिए आगे बढ़िया बढ़िया, ये दो मुद्दा महत्वपूर्ण है ना, और ये सब फास्ट हो रहा है हमारे टाइम पे, ये सब 7-8-10 साल बाद इस पर ध्यान गया। आप लोग, मुझे लगता है यही परंपरा का जो स्पीड बोलो, कुछ भी बोलो, जल्दी पहले शिविर में, दूसरे शिविर में, 2-3 वर्ष में लोग यहाँ तक सोच ले रहे, क्योंकि बोलने वाला भी अधिक बोलता है तो उसमें से कुछ चीज निकलते आती है। बाबा जी को सीधा समझना कठिन ही है। चार्ट बना, हाँ ठीक है, वो सब आप बनाइए अपने रेफरेंस के लिए 17, वो फिर आधा क्रिया उसमें जोड़ लेना, परसेंटेज बढ़ेगा साक्षात, बट वही है, जब साक्षात्कार के लिए आप परसेंटेज जोड़ते हो उसमें गलती आ जाएगी, क्योंकि साक्षात्कार एक साथ नहीं होता, क्रम से होता है,
तो साक्षात्कार के 10 बिंदु हैं, तो छठे क्रिया को 10 करना पड़ेगा आपको, ऐसा है, या 12 बिंदु है तो 6/12 आएगा उसमें, है ना। वो सब में जाएंगे फिर हम मैथमेटिक्स में फंस जाएंगे, टाइम पास के लिए कर सकते हैं, है ना। हाँ वही वही, वो जिज्ञासा टाइम पास का है, मतलब मैथमेटिकल टाइम पास का है। देखिए ना, साक्षात्कार एक साथ नहीं होता है, जैसे तुलन की आधी क्रिया, एक शॉट में आपको वो 0.5% नहीं मिलेगा। प्रत्यावर्तन का 5 है, उसमें से एक आधा है, है ना, फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन एक साथ भी नहीं होगा। न्याय न्याय का तुलन, धर्म धर्म का तुलन, सत्य सत्य का तुलन, स्थिर होना, वो ग्रेडेशन है उसमें फिर। तो इसलिए जब काउंटिंग करते हैं हम एब्सोल्यूट वैल्यू को ही काउंट कर सकते हैं पूरा। जैसे देखिए 1 माइल, 1 माइल इज द एंटायरिटी, उसके तुलना में है 0.8 माइल। 1 माइल यदि स्थिर नहीं है तो 0.8 माइल का अर्थ ही नहीं निकलता। इसीलिए जीवन जागृति एक स्थिर बिंदु है, या क्रियापूर्णता एक स्थिर बिंदु है, जिसको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उसके तुलना में काउंटिंग है ये 4.5, 5.5, 5.5 बोलने के लिए, ताकि हमको एक आइडिया मिले। हम अपने में क्या आकलित कर पाएंगे कि मैं तो नहीं कर पाया अभी तक कि 17.5% से मैं 22.5% में पहुंच गया, ये सब काल्पनिक दोष हो जाएगा। उतना दिखता ही नहीं है, उतना फाइन अभी तो जीवन, ये 22.5% हो गया और 23.5% हो गया, बढ़िया है। 35 हो गया, 36 में देखिए ऊपर से सेकंड पैराग्राफ में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जीवात्माओं की शरीर रचना भी प्राण कोशिका समूह से निर्मित होती है। इस रचना में मेधस एक विशिष्ट भाग समाहित रहता है जिसे प्राण अवस्था में नहीं पाया जाता है ना। इसको ध्यान से एक बार मार्क करके रख लीजिएगा। कुल मिलाकर क्या कह रहे हैं, जहां पर ब्रेन है वहां पर जीव अवस्था है। परिचय शिविर में सुलभता के लिए, ताकि प्राण तथा जीव में अंतर हम कर पाए, इसीलिए जिन जीवों में जीवन है उसी को जीव अवस्था में रखा जाता है। तो कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा का एग्जाम्पल देते हैं और बाकी को स्वेदज बोल के साइड कर देते हैं। जबकि इधर देखिए, कोई भी वस्तु या इकाई जिसमें ब्रेन है वो जीव अवस्था में गिनी जाएगी, इवन दो इट डज नॉट हैव जीवन। जैसे चींटी हो गया, मधुमक्खी हो गया, ये सब जीव अवस्था में ही आएगा, नहीं तो बहुत सारे लोग मतलब मैं पहले से फिर आपको बोल रहा हूँ, दर्शन प्रकटन के क्रम में है ना। तो इतना वास्ट है कि इसके एक एक बिंदु पर स्पष्ट आने में समय लगता है, खुद के लिए भी और बाबा जी से, नागराज जी से पूछने के लिए भी। एक मिनट, मुझे कॉल लेना पड़ेगा।
हाँ वो अमरकंटक में, मैं भी जाऊंगा अभी 14 तारीख को, अमरकंटक ही जा रहा हूँ यहाँ से 2 दिन के लिए। भैया जी ये चींटी और जो बोले चींटी और मधुमक्खी में ब्रेन होता है तो ये जीवावस्था में गिनना जाएगा, जीवावस्था में गिनना जाएगा हाँ? वायरस जीवावस्था नहीं है, वायरस एक जीवित चीज ही नहीं है, वो आरएनए या डीएनए का स्ट्रैंड है, प्राण कोशा से जीवित रहना होगा, वो प्राणावस्था में भी नहीं आएगा, उसको तो होस्ट चाहिए ना, वो प्राण अवस्था का बिल्डिंग कंपोनेंट में आएगा वायरस। तो जो देखिए हमारे पास प्राण कोशा है, तो प्राण कोशा मतलब अभी इंग्लिश में देखेंगे तो ब्रॉडली सेल है ना, तो उसमें प्राण सूत्र रचना तत्व और रचना विधि, ठीक, ये सेल वॉल, ठीक। तो ये जो आप बोल रहे हैं आरएनए डीएनए ये सब अंदर रहता है, ये न्यूक्लिक एसिड का चेन है ना, डीएनए का एक चेन है जिसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये जो अभी कोरोना वायरस इसको बोलते हैं आरएनए वायरस, इसीलिए उसका जो वैक्सीन है वो एमआरएनए वैक्सीन दिया उन्होंने, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन, जो भारत में नहीं था, भारत में तो वो दूसरा वाला था एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन दिया था, ठीक। अब ये बन के इसमें से अनगिनत बिलियंस ऑफ सेल्स, बिलियंस का मतलब 1 बिलियन होता है 1000 करोड़, ऐसे 1000 करोड़ के हजारों संख्या के सेल बन के मनुष्य का ब्रेन बन रहा है, ठीक। अब चींटी का यदि ब्रेन देखेंगे तो ब्रेन किस चीज को कह रहे हैं, कोई एक सेंट्रल लोकेशन जिससे उस इकाई का फंक्शनिंग निर्धारित हो रहा है तब हम कह रहे हैं ब्रेन। ब्रेन क्या है, मेधस, उस शरीर के संचालन हेतु निर्णय या कंट्रोल का सेंट्रलाइजेशन, एक जगह से तय हो रहा है, जैसे एक पौधा कैसे जिएगा ये एक जगह से तय नहीं हो रहा है, वो पूरे पौधे में ही है, उसकी कोई एक जगह नहीं है जहां पर वो कोड स्टोर हो रहा है कि इतना पानी लेना है, इतना फास्फोरस लेना है, इतना नाइट्रोजन लेना, नाइट्रोजन कम हो गया अब नाइट्रोजन को फ्लश करो, ये सारे पौधे कर रहे हैं ना, कोई एक पौधा पोटेशियम अधिक लेता है, कोई नाइट्रोजन छोड़ता है, कोई नाइट्रोजन ले रहा है, ये सब मिलके फिर यहाँ का पूरा धरती है, मैंने भूमि और प्राण का जो वातावरण है उससे बन रहा है। तो हमने 2 एग्जाम्पल, एक मधुमक्खी और दूसरा ये ह्यूमन ब्रेन, ये 2 मधुमक्खी या चींटी, सबसे छोटा और सबसे बड़ा ह्यूमन ब्रेन, ठीक। अब ह्यूमन ब्रेन तथा ऑल मैमल्स रेप्टाइल्स में से कुछ में से जीवन है, तो जीवन किस में है, समृद्धिपूर्ण मेधस तथा समृद्ध मेधस, ये चींटी में क्या है, असमृद्ध मेधस, हाँ ब्रेन है, हाँ। तो समृद्धिपूर्ण तब कह रहे हैं कि मनुष्य का, मानव का कल्पनाशीलता प्लस कर्म स्वतंत्रता, समृद्ध मेधस 5 इंद्रिय, ये सब 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय इस टाइप का है,
उस क्रम में है, है ना, सेंसेस, तो इनमें इंद्रियां हैं, ये जाके पौधा बनता है ना, पौधे में इंद्रिय नहीं है और मेधस भी नहीं है, ये प्राण वायु ब्रीदिंग इन पे ना प्राण के सिस्टम से चलता है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, प्राण से बीज का मल्टीप्लाई होना या एक सेल का सेल डिवीजन होता है, तो ये जो प्राण सूत्र है ऐसा है तो ये स्प्लिट हो जाता है और अपने जैसे एक बाहर निकल कर अपने जैसे और एक बनाता है, फिर वो स्प्लिट होता है, अपने जैसे और एक बनाता है, स्प्लिट होता है, इसी विधि से तो पौधा बड़ा होता है, स्प्लिटिंग मैकेनिज्म है, उसके अंदर की जो कोड है वो स्प्लिट होती है, फिर उसके अराउंड उसके पुष्टि तत्व तो वो सारे, आप सोचिए कितना फाइन मैकेनिज्म है, कितना कॉम्प्लेक्स है और कितने मात्रा में हो रहा है, मतलब एक जो घास बाहर निकल रहा है उसमें कितने सेल्स होंगे और वो मिलके घास का रचना बना रहा है, इसलिए बायोलॉजी अपने में एक फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है ना, मैं अगले बार पैदा होऊंगा तो बायोलॉजी का स्टूडेंट बनूंगा, इंजीनियरिंग तो नहीं करना है, बड़ा सूखा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और ये सब बायोलॉजी पढ़ने से अभी पेट नहीं भरता है इसीलिए लोग पढ़ते नहीं या उसके लिए इंटरेस्ट ही नहीं जगता है, इंजीनियरिंग पूरा पदार्थ अवस्था है ना, इंजीनियरिंग का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, डिजाइन, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है फावड़ा, उसका लास्ट पॉइंट है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप और उसमें जो सॉफ्टवेयर लिखते हैं, ये पदार्थ अवस्था का पूरा रेंज इंजीनियरिंग का, फावड़ा प्रथम इंजीनियरिंग टूल है और अंतिम टूल है SMD सरफेस माउंटेड डिवाइसेस और उसको चलने के लिए सॉफ्टवेयर, तो जब सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर जैसे मैं सॉफ्टवेयर लिखता था एक समय में, आप एक्चुअली ब्रेन बना रहे हो, इसको चला पदार्थ अवस्था को चलाने का ब्रेन का नाम है कोड, क्या है बेसिकली, उसको आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि तुमको करना क्या है, इसीलिए बहुत सूक्ष्म है, इसीलिए उसमें सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, ये जो बेचारा फावड़ा बना रहा है इसको कोई कुछ देता ही नहीं, ये तो सबको आता है फावड़ा बनाना, एक बार डिजाइन हो गया सब लोग टोप लेते हैं उसके बाद, कोई IPR कुछ नहीं है फावड़े जिसने भी डिजाइन किया हो ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स उससे कम कॉम्प्लेक्स है इलेक्ट्रिकल, उससे कम कॉम्प्लेक्स है मेटलर्जी, उससे कम कॉम्प्लेक्स है सिविल, इसीलिए लास्ट में, मतलब जो कल हम बात हो रही थी कि इंजीनियरिंग एडमिशन में लास्ट में सिविल जाता है और सैलरी भी सबसे कम मिलती है क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी उतनी कम है, एस्टेब्लिश्ड है, वेल डिफाइंड प्रोसेसेस हैं, सो सैलरी और एबिलिटी टू अर्न इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्कैरसिटी दोनों, सारे सिविल इंजीनियर मर गए तो ये एक दिन का 1 करोड़ रुपए डिमांड कर सकते हैं, बट मर गए मतलब गायब हो गए, तो आज के दिन अर्थव्यवस्था को देखेंगे, इकोनॉमिक्स इज अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स है ना, कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्केयरसिटी, इसके प्रोपोर्शन में है, ये फलाने इंजीनियर का स्केयरसिटी है उसकी सैलरी बढ़ जाती है, फलाने इंजीनियर का स्केयरसिटी नहीं है उसकी सैलरी कम हो जाती है, तो ये यदि हम कमिंग बैक टू दिस, ये यदि देखेंगे तो ये दोनों मिलके फिर जीव अवस्था है, तो जीव अवस्था यहां पर कह रहे हैं जीवा और ये ऑफ कोर्स प्राण अवस्था, ठीक है, जो वायरस है वो प्राण कोशा भी नहीं है, ये अंदर की कोड है वायरस, इसीलिए मैंने अभी एंटीवायरल मेडिसिन बनाए हैं बट देर इज नो क्योर फॉर वायरस, आप उसके इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं, वो मल्टीप्लाई होता है और बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म उसको वो कर देती है, तो जब भी कोरोना वायरस में सबको मैंने जैसे लंग्स में फ्लेम या कफ बढ़ रहा था, वो बेसिकली क्या है, वो वहां जाके ग्रो कर रहा है, अपने कोड के अनुसार वो सेल बना रहा है, वो सेल बनाने की कोड का नाम वायरस है, तो हमारे सेल जो बन रहा है उसका एक कोड है, वो अपना कोड लेके हमारे शरीर के अंदर आके अपना सेल बना रहा है,
उसकी अपनी डिजाइन है। तो वायरस में बेसिकली सेल का कोड आर्किटेक्चर स्टोर होता है, फिर उसकी जो बड़ी रचना है उसका रचना विधि कह रहे हैं बाबा जी उसको, कि जैसे आम के पेड़ का आकृति कैसे होगा, उसमें फल कौन से शेप के निकलेंगे, वो खट्टा होगा कि मीठा होगा, कितना रेशा होगा, वो कौन से सीजन में निकलेगा, कितने साल बाद फलित होगा, कितने साल बाद जिएगा, पूरा रचना विधि में कोडेड। आप सोचिए कितना शानदार। और वो कैसे टाइमर है उसमें, उसी टाइम में वो निकलेगा, वो टाइमर का भी कोड है। और इसकी वेरिएबल्स कितनी है, माने कितना हीट लाइट कितना, इसको यदि मॉडल जाएंगे तो अपना कंप्यूटर वगैरह जल जाएगा। करते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं ना, अभी बोलते हैं कि ह्यूमन जीनोम को पहली बार सीक्वेंस किया है, इट टुक देम सम 12 इयर्स विद लॉट ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। जीनोम सीक्वेंस ही नहीं होता, इतना मैथमेटिक्स है। इसीलिए जो मैथमेटिशियंस है वो एकदम चमत्कृत रहते हैं, उनको लगता है पूरी दुनिया को मैथमेटिक्स से बताया जा सकता है, वो गलत नहीं है। पूरा दुनिया मतलब भौतिक संसार के कुछ भाग, तो भौतिक संसार का रूप और गुण अपने में बहुत वास्ट है, हमने उसका शॉर्टकट ले लिया, स्वभाव दे दिया, संगठन विघटन उसने में निपटा दिया उसको। उसको खोलने जाएंगे तो एक ही सेल को करेंगे तो अब मैं उधर ही कल डॉली भाभी के यहाँ गया था मिलने के लिए, तो उसमें एग्रीकल्चर का एक टेक्स्ट बुक था, उनके बेटे का रहा होगा, उन्होंने BSc एग्रीकल्चर पढ़ा था 4 वर्ष, बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमको लगता है एग्रीकल्चर मतलब सिंपल होगा, और है ना क्या है एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर होगा, पेस्टिसाइड होगा, पौधे होंगे, बीज होगा, पानी होगा, धूप होगा, हो गया एग्रीकल्चर। नहीं, आप उसको पढ़िए, वो बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक जैसे है, एक एक प्लांट का वैरायटी, उसके कितने टाइप्स, उसमें क्या ये होता है, मैंने किस टाइप की चीजों से गुजरता है, विश्लेषण अद्भुत किया है। और सारा विश्लेषण भौतिक संसार का यूरोपियन ने किया है, सारा मतलब सारा उन्होंने किया, और जो भारतीय लगे उसमें एक दो गिनती में आ सकते हैं। पिछले 500 साल से यहाँ केवल इडली डोसा ही खाया, वो कुछ निकला कुछ नहीं। निकलता तो ऐसे 3000 साल बाद कुछ निकलता है, सीधा निकलता तो सीधा ही निकलता है, बीच का कुछ नहीं दिखता है पिछले 700-800 साल में, या जब से जैसे पूरी साइंटिफिक रेवोल्यूशन पूरा यूरोपियन का। हम जितना भौतिक चीजें भोग रहे हैं, एवरीथिंग इज यूरोपियन मेड, चश्मा बनाने का विधि, ये मेश बनाने की विधि, पंखा, उसके पीछे का थियोरी, ये माइक, ये इंटरनेट, ये सारे सर्वर्स US में तो है, YouTube के। कुछ नहीं है, ये फ्लेक्स बोर्ड का प्रिंटिंग भी पहले बाहर हुआ, उसके बाद हम लोग इधर टोपे बिहारा में बनता है, इधर थोड़ी बना। उसका डाई, उसको चिपकने का फॉर्मूला सब बाहर का है, उसका प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी सब चीज, ये माउस, उसका डिजाइन, उसका सॉफ्टवेयर सारा यूरोपियन वो है। अभी भारतीय थोड़ा सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं, बट 50% से अधिक गधा मजदूरी वाला ही है सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर मजदूर है भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर 70%, 10% डिजाइनर और 1,000 जो है विजनरी है। जागृति क्रम मुझे नहीं पता, वही उसके पहले पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में तो फेजेस दिखते हैं ना, जैसे अब ये लोग जो गिनते हैं, यदि हम अपने अनुसार गिनेंगे, मतलब यदि साइंटिफिक इसकी बात करें, फिलोसॉफी की बात यदि नहीं करें, ओल्डेस्ट फिलोसॉफिकल सिस्टम्स तो इंडियन एंड चाइनीज है, उसके बाद ग्रीक फिलोसॉफी को मानते हैं, उसके बाद बहुत रिसेंटली वेस्टर्न फिलोसॉफी पिछले 400-500 ईयर्स में विकसित हुआ, वो भी यूरोप में, क्योंकि अमेरिका तो अनडिस्कवर्ड था उस समय, देयर वॉज नो अमेरिका, एंड बाकी जगह साउथ अमेरिका अफ्रीका में तो आदमी एक दूसरे को मार काट के खा रहा था, लेकिन तो फिलोसफी तो बहुत दूर। साइंटिफिक इसको देखेंगे तो इंडियन एंड एक्चुअली अरेबिक, द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी जैसे इज इन अरेबिया, फाउंडेशन ऑफ कुछ कैलकुलस के कुछ जो थियरम्स है वो अरेबिक थे, अल इब्न कुछ, अल इब्न वो, अल इब्न ये, यही नाम निकलते हैं।
पर्शिया में, अरेबिया मतलब उस समय पर्शिया, ईरान और इराक की अरेबिया था, बाद में मिडिल ईस्ट वगैरह बाद में आए। मूल अरबिक कल्चर तो ईरान का है ना, ईरान एंड इराक एंड ऑफकोर्स ऊपर जिधर मेसोपोटामिया बोलते हैं उसको, इराक को। अभी देखिए क्या हालत है इराक का, क्या कौन वहां एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएगा, तो सर पे बम ने फूटे बस इसके लिए आदमी सोचता है, केवल मारकाट। उसके बाद यूरोपियन रेवोल्यूशन हो रहा है, उसके पैरेलल में इंडिया में उसके पहले हुआ है, भास्कराचार्य और आर्यभट्ट, ऐसे बहुत सारे नाम यहाँ दो चार मिलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम का। बट बाद में जो फिजिकल साइंसेस का जो सिस्टमैटिक स्टडी है ये तो यूरोप में ही हुआ है, मतलब तो पूरा गुणों का अध्ययन, जिससे भौतिक जगत का ज्ञान भी हुआ और उससे तकनीकी भी विकसित हुई, उसके लिए फैक्ट्रीज बने, कॉर्पोरेट, उसी से तो नौकरी निकला ना, क्योंकि मास प्रोडक्शन करना था, क्वालिटी अचीव करना था और कॉस्ट को लो करना था। ये तीनों चीजों का आप घर पे नहीं कर सकते, आप घर पे भी करेंगे क्वालिटी कंट्रोल इज अ बिग प्रॉब्लम। अब जैसे ये जो वो है, मैं देखा हमारे गाँव में जब हम लोग छोटे थे तो ये दरवाजे का वो है ना हैंडल, वो बनता था ब्रास से, तो मैं खुद गया उसमें, एक मोल्ड होता था वो भट्टी से गरम, वो फुस फुस करते रहते थे, वो मेल्ट होता था उससे गरम गरम हम उस पर ओतते थे, मैं छोटा हूँ तो किया हूँ, और उससे वो मोल्ड बनती थी उसका। बट उसमें इतना साइड में बर बर मतलब उसका साइड का फाइलिंग, उसको बैठ के घिसना पड़ता है, खर 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 फाइल करते थे, तो उसमें फाइलिंग की मार्क्स रहती थी, उसके बाद उसको डाल के टेस्ट करते, ठप 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 हो गया, वो कोई भी दो एक जैसा नहीं रहेगा, फाइनली अंदर गया और बाहर निकला इतने देखते थे। अभी देखिए फैक्ट्री मेड हुआ कैसा निकलता है, इस पर पता ही नहीं चलता कि वो कोई स्कार नहीं कुछ नहीं। एक आश्चर्यजनक चीज है, आज तक भारत में नेल कटर नहीं बना है, वो स्टील का जो शार्पनेस है कि उतना फाइन करने के बाद स्टील नहीं टूटना, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, या तो कोरियन है या भी चाइनीज है। कोरिया मास्टर्ड the ability to make steel so fine that it matlab last में it can cut with minimum effort, क्योंकि आप ऐसा जब करते हो तो वो कट होना चाहिए with minimum effort, easy होना चाहिए, इसका मतलब उसकी जो पूरी force है minimum surface area में आनी चाहिए, मतलब वो जो steel है सबसे पतला और टूटे नहीं, stainless steel, ये steel में stain नहीं होता है। चलिए तो जीव आत्मा में शरीर रचना हो गया, थोड़ा कहानी। हाँ, बैक्टीरिया प्राण अवस्था में आएगा बिकॉज क्योंकि वो अपने में मल्टीप्लाई करता है, ग्रो भी करता है, इसीलिए बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक दवाई काम करती है, क्योंकि उसके सेल को वो मारता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस होता है। भारत में सबसे अधिक ट्यूबरकुलोसिस विश्व में भारत में ही है, वी आर ऑल पैसिव ट्यूबरकुलोसिस पीपल, highest TB cases in the world are in India. वो mycobacterium tuberculi एक bacteria का strain है जो पेट में रहते ही है, सबके पेट में है, जैसे ही हमारा immunity down होता है हमको TB हो जाती है, उसके लिए दवाई है, antibiotic है, rifampicin एक है और isocyanate बोल के दो है, उसको लेना पड़ता है 9 महीने। है कोई कुछ बोला, अच्छा उधर वो रिफैम्पाइसिन एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरिया पर काम करता है, उसके सेल वॉल को मारता है, उसके ब्रीदिंग के स्ट्रक्चर को इंटरप्ट करके उसको मारता है। तो बोलते हैं कि टीबी के बैक्टीरिया को मारना बड़ा कठिन है, उसका सेल वॉल इतना थिक है कि बाकी ड्रग उसको पेनिट्रेट ही नहीं कर पाता है, तो रिफैम्पाइसिन को 6 मंथ्स लेना पड़ता है, 9 मंथ्स। तो पेनिसिलिन विश्व का फर्स्ट वो है एंटीबायोटिक, उसके पहले लोग मरते थे लाखों के संख्या में बैक्टीरियल ड्रग वो से, तो पहले इन लोगों ने आइसोलेट किया कि बैक्टीरिया से मर रहा है, फिर पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ, उसको टर्निंग पॉइंट मानते हैं मॉडर्न मेडिसिन में कि द फर्स्ट एंटीबायोटिक। उसके बाद बहुत सारे स्ट्रेप्टोमाइसिन आ गए, जितने भी माइसिन है, रिफैम्पाइसिन, ये सारे एंटीबायोटिक है। वो प्राण अवस्था नहीं है, बेसिकली प्राण कोशा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो। तो चींटी और मधुमक्खी में जीवन होता है समान? नहीं नहीं, अभी तो लिखा था इतना सारा रामपरायण होने, अच्छा बीच में हम कहीं तो कंफ्यूज हो गया, मैं कहीं कहीं चले गया तो थ्रेड, नहीं 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 होता, इसलिए आप उसको मार सकते हैं।
असमृद्ध मेधस जिसमें होता है उसमें जीवन नहीं है। जीवन के लिए समृद्ध मेधस या समृद्धिपूर्ण मेधस हाथी गधा घोड़ा मानव चींटी मधुमक्खी छिपकली ये सब में नहीं होता है। इसमें हाथी घोड़ा कुछ जो सांप है ना ये देखना पड़ेगा किन किन में है, ईगल्स डॉल्फिन्स बड़े वाले तो इजीली समझ में आते हैं बट कुछ पक्षी भी हैं ईगल्स क्रोज पैरट्स ये सब लाइन लगाए हैं आगे जाके इनको ये सब पढ़ना पड़ेगा अभी टाइम है इनको है कोई सुना नहीं उस बात को उनको सुने दिया जिसमें ब्रेन नहीं होता है जिसमें ब्रेन नहीं होता वो कौन से अवस्था में आएगा जानवर जैसे रहते हो जिसमें ब्रेन नहीं होता है वो अमीबा जैसे होता है वो प्राण अवस्था में आएगा जैसे जेलीफिश हो गया उसमें ब्रेन नहीं होता स्टार फिश को भी काट दो तो दो ठो बन जाता है तो उसमें दो ब्रेन बन जाता होगा नहीं नहीं दो स्टारफिश को तो देखना पड़ेगा ब्रेन है कि नहीं मुझे नहीं पता देख अध्ययन पढ़ के देखना जेलीफिश में नहीं है जेलीफिश में नहीं है फिर प्राणावस्था में प्राणावस्था में जिसमें ब्रेन नहीं है प्राणावस्था उसमें प्रकाश संश्लेषण होता होगा फिर मतलब कैसे बनता होगा उसका व्यवस्था यार मैं स्टारफिश को कभी पढ़ा नहीं मुझे क्या पता जिसने पढ़ा उससे पूछना पड़ेगा इंटरनेट पे ढूंढना पड़ेगा मुझे नहीं पता बीज अनुसंगी नहीं होगा ना प्राणावस्था है तो होना चाहिए नहीं बीजानुसंगी होना चाहिए अगर प्राणावस्था है तो नहीं नहीं जो मल्टीप्लिकेशन का जो वो है उसको तो अलग से बीजानुसंगी से क्या समझते हैं हम कि एक बीज चाहिए हमको है ना जबकि उसका शरीर ही बीज है उसका इम्प्रिंट चाहिए ना उसको डेवलप होने के लिए उसकी इम्प्रिंट अलग से एक बीज के जैसे मनुष्य बीजानुसंगी है मनुष्य का बीज क्या है शुक्र कीट है शुक्र कीट बीज थोड़ी दिखता है बिलियंस होते हैं एक मनुष्य में एवरी 24 आवर्स उसमें से एक फलित होता है मानव में जो शुक्र आदमी पुरुष शरीर में जो शुक्र कीट है वही बीज है ठीक है उसको कंप्लीट करने के लिए एग लगता है फिर उसको मैंने वो फॉर्म करने के लिए उसको पूरी एक वातावरण लगता है जिसको गर्भ कह रहे हैं तो शुक्र कीट अपने में क्या है वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है और जो वीडियो वगैरह आप नेट पे ढूंढेंगे तो वो स्विम भी करता है अगेंस्ट द फ्लो अगेंस्ट ग्रेविटी स्विम भी करता है उसकी छोटी टेल होती है और टिंग 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 निकलता है बाहर बट जो हम इसीलिए कोई अपने माँ जैसे पिताजी जैसे दिखता है या किसी दादी जैसे दिखता है कोई बुआ जैसे दिखता है वो क्या है वो बीजानुषंगी तो शरीर का आ रहा है ना बट बढ़िया बिंदु है वो कि जेलीफिश में जो रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम है क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं उसमें तो मेल फीमेल आ जाते हैं जैसे कुत्ता बिल्ली कैंगरूज में एक मेल और फीमेल दोनों होता है बहुत सारे फिश है वही तो बायोलॉजी इसीलिए मैं कह रहा था वो बाइसेक्सुअल होते हैं कभी मेल बनता है और वही कभी फीमेल भी बनता है हैं हाँ मेल फीमेल दोनों होते हैं तो ये जो भ्रूण में जो देखेंगे तो बहुत सारे उसमें कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं फिर ये महत्वपूर्ण बिंदु है ये कई मतलब अपने ही ग्रुप में बहुत वर्षों तक ये चीजें स्पष्ट नहीं थी पहले लोग ये बिना जीवन वाले मेधस वाले को प्राणावस्था में बताते थे हाँ जी आगे
हाँ जी 36, 37 में जाएं, 36 हो गया। थर्टी सेवन तो वो है, जागृति की तुलना में ही स्वप्न एवं सुषुप्ति का अध्ययन है ना। इस पर थोड़ी सी बात रखी थी मैंने दो चार दिन पहले कि अभी जो हमारी जागृत जो अवस्था है इसी के तुलना में स्वप्न का भी पता चलता है तथा सुषुप्ति, सुषुप्ति मतलब गहरी निद्रा, गहरी नींद जिसमें स्वप्न नहीं होता है। तो स्वप्न अवस्था के तुलना में जागृति का वो नहीं है, जागृति के तुलना में स्वप्न अवस्था का पहचान है। जैसे मैं सपना देख रहा था कब पता चलता है, जगने के बाद पता चलता है कि मैं सपना देख रहा था। सपना देखते समय यह नहीं पता चलता है कि मैं पहले जगा था और अभी मैं सपना देख रहा हूं, ये बात पकड़ में आती है। जैसे गहरे निद्रा, मैंने अच्छी नींद सोई, मेरी बहुत अच्छी नींद आई, जगने के बाद हम रिकॉल करते हैं कि नींद अच्छी थी। गहरे नींद में ये याद नहीं रहता है कि मैं एक समय जगा था और अभी सो रहा हूं, अच्छी नींद है मेरी, उल्टा नहीं होता है। ठीक है, सत्ता में अनुभूति एवं दर्शन योग की क्षमता ही जागृति है। अंततः जागृति का मतलब क्या है, सत्ता में अनुभूति योग की क्षमता, अनुभूति योग की क्षमता पर्यंत रूप गुण स्वभाव की अभिव्यंजना भावी है। अभिव्यंजना, व्यंजना पर बात हुई थी, वो जो सम्मिलित इम्पैक्ट है, इफेक्ट है हमारे ऊपर, उसी का अभिव्यंजना कह रहे हैं, जिससे हर शोक आदि द्वंद्व का प्रसव है। माइक लीजिए, अभी तो कैसे बोलेंगे, बाकी लोगों को सुनाई नहीं देता। अभी जैसे जगे हुए हैं और जो विचार चल रहे हैं वो सही है ऐसा तो नहीं दिखता है, तो उसी को स्वप्न बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, स्वप्न अवस्था, यहाँ पर स्वप्न अवस्था उस चीज को कह रहे हैं, सोते हुए आप जब सपना देखते हो उसको कह रहे हैं। सपना बोलते हैं ना, एक मैंने आज सपना देखा, एक आदमी आया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, गिर गया, कुछ कुछ चलता है रात को, उसको सपना बोलते हैं। मैंने ताजमहल बना दी, ताजमहल को खरीद ली, सब सपना होता है रात को। ठीक है, कौन सा अवस्था है? सुषुप्ति हो गया पूरा, गहरी थोड़ा सुषुप्ति जिसमें सपना दिखता नहीं, गहरी नींद। अच्छा, मेरा जो स्वप्न है वो जीवन में होता है कि मस्तिष्क में भी, मस्तिष्क से जुड़कर होता है? क्या चीज़? जीवन में अपने आप जीवन में होता है स्वप्न जो है वो? मस्तिष्क के साथ जुड़ के होता है। या अभी कौन से अवस्था में है? जैसे जागृति को मतलब सत्य अनुभूति क्षमता आ जाएगा तब उसको जागृति बोले हैं, सोए रहेंगे तब स्वप्न, और गहरी नींद में रहेगा तो सुषुप्ति। तो अभी की अवस्था का क्या नाम? अल्प जागृति। अल्प जागृति अवस्था। और स्मृति में रहता भी है और बता भी, तो बता भी पाते हैं कि हाँ आज मैंने देखा है, ऐसा हुआ है, ऐसा करके उसे क्या कहेंगे? कुछ नहीं, वो सपना याद रहेगा, सपना अवस्था है, बाद में जागृति में उसका स्मरण बना रहता है। कोई कोई सपने होते स्मरण में बने रहते हैं, जागृत अवस्था में भी ऐसी है, कुछ कुछ चीजों का स्मरण बना रहता है, कुछ कुछ चीजों का स्मरण घट जाता है हमारे से। जो दिया निद्रा जड़ का स्वाभाविक गुण है, तो फिर चेतन जो जागृत है वो चेतन का स्वाभाविक गुण हुआ, और अपने अभी उस वो अभी वो अपने स्वभाव में नहीं आया, यही मतलब बनता है उसका, इसीलिए उसको सुसुप्त बोला गया है, क्योंकि निद्रा जड़ के लिए बोला गया है, जड़ का स्वाभाविक गुण है, इसलिए सुसुप्त अवस्था जो दिया है वो अर्ध चैतन्य या फिर चैतन्य में जागृत होने का, इसलिए ऐसा है। वही निद्रा जब हो रहा है तो क्या हो रहा है, सुषुप्ति या निद्रा में जीवन शरीर को सुला रहा है। अच्छा, तो शरीर अपने स्वाभाविक उसमें चले जा रहा है, इसलिए रिपेयर मेंटेनेंस सब उसी में हो रहा है। जीवन नहीं सो रहा है, बट क्योंकि जीवन शरीर के साथ तादाद कर रहा है तो शरीर सोने से स्वयं को सोया हुआ मानता है, इसी का नाम है निद्रा। या ब्रेन स्टेम उसको कंट्रोल करते हैं फिर निद्रा को? हाँ, जो हलचल होते इधर उधर मुड़ते हैं वो
यानी हलचल होता है वो शरीर से ही, कभी वात बढ़ गया, कभी चीटी काटी, तो केवल ब्रेन स्टेम ने, ब्रेन के बाकी भाग भी वो करेंगे, लेकिन कब सोएंगे कब उठेंगे ये जो साइकिल है जिसको सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, उठने सोने का समय, ये ब्रेन स्टेम से कंट्रोल होता है। जागृति के बाद कौन कौन सी अवस्था रहेगी? सुषुप्ति और जागृति। स्वप्न नहीं आए? स्वप्न नहीं आता। नहीं नहीं चलती है, कुछ भी बंद हो जाता है, चुप जैसा, क्योंकि आशा विचार अच्छा ब्रेन के जिस पार्ट के साथ काम करता होता है वो पार्ट ही शट डाउन हो जाता है, इसीलिए आशा विचार इच्छा भी सस्पेंशन के स्टेट जैसा हो जाता है। इसीलिए कई बार परंपरा में भी समाधि की जब व्याख्या करने जाते हैं तो उसके लिए सुषुप्ति का उदाहरण लिया जाता है। वही वो जो एक प्रकार से जीवन शरीर के साथ एकदम न्यूनतम स्टेट में चले जाता है, कोई बड़ी घटना चाहिए, आग लग गया, कोई आके उठा दिया, पानी डाल दिया, तब उठता है, वो जो इलेक्ट्रिकल वो है वो ब्रेक हो जाता है उसका। भैया ये इसी में लास्ट, सबसे लास्ट से लास्ट का उसके ऊपर वाला पैराग्राफ है, रहस्यता में अज्ञानता, अज्ञानता से भ्रम, रहस्यता से अज्ञान, अज्ञान से भ्रम, भ्रम से मोह, मोह से अक्षमता, अक्षमता से अमान्यता, अमान्यता से, ठीक है, स्पष्ट है ना इसमें भैया जी? रहस्यता से अज्ञान का मतलब हमको कोई वस्तु स्पष्ट नहीं है, है ना, यही अज्ञान का कारण है, अज्ञान ही भ्रम का कारण है। तो उदाहरण के रूप से पहले धूप, ये सूर्य को भगवान मानते थे, रहस्य रहस्य में चले गया, सूर्य को भगवान माना, उससे अज्ञान हुआ, अज्ञान से भ्रम हुआ कि वो सूर्य को चार बार प्रणाम करो, नहीं प्रणाम करने से वो गुस्सा आ जाएगा, उनको आके खल खेत जला देंगे, बाल जला देंगे, कपड़ा जला देंगे, है ना, कुछ भी, है ना, भ्रम से मोह और द्वेष दोनों, इन किस केस में उससे मोह हो गया या बच्चे से मोह हो जाता है, मोह से अक्षमता, अक्षमता से अमान्यता, अमान्यता से ही रहस्यता है, ये सारी एक के एक साथ। वो ऊपर स्वप्न सुषुप्ति और जागृति की चीज बताई, नीचे ब्रह्म और अज्ञान की चीज बता रहे। बिना शरीर के जीवन उनमें नहीं रहता, ये जागृत सुषुप्ति और स्वप्न अवस्था शरीर के साथ ही है, मानव संज्ञा में ही है। बिना शरीर के जीवन उसके डेवलपमेंट के स्टेज के अनुसार रहेगा, या तो मन से अधिक चालित होगा, या वृत्ति से होगा, या चित्त से होगा, या बुद्धि से होगा। शरीर के साथ रहते हैं इसका नाम कैसा? कल्पना कर सकते हैं, मुझे लगता है कि जैसे स्वप्न अवस्था जैसी ही स्थिति है, जैसे अभी हम सपना देखते हैं तो शरीर का कोई बोध नहीं रहता है और भार भी नहीं रहता सपने में। जैसे अभी हम चलते हैं, अभी भी भार लगता नहीं है, बट जैसे थोड़ा भार लगता है तो मैं अभी मैं पीछे चले गया, शरीर का भार एक स्थिति में बना रहता है, फिर यहाँ दर्द करता है तो भार पता चलता है, तो ऐसे चले गए, है ना, बट चलते समय अभी भी भार नहीं लगता है। जैसे कोई 100 किलो का है, एक आदमी 45 किलो का है, 100 किलो वाला को हम ये नहीं पूछते कि तू इतना उठा के कैसे चलता है, उठा लेता है वो पूरा शरीर। आप सोचिए 100 किलो का यदि एक बोरा है ना, उसको आपको खड़े रखना है और 45 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ाने, तो कितना ताकत लगेगा? बहुत ताकत लगेगा। या 20 किलोमीटर के हिसाब से दौड़ना है, या 5 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ाने, वो कितना कॉम्प्लेक्स मशीनरी लगेगी, बैलेंसिंग का कितना उसके सेंसर लगेंगे, यदि हम कल्पना करेंगे तो बहुत ज़्यादा। हर आदमी उसको आसानी से कर लेता है, तो जीवन ही शरीर को खींच के सीधा रखता है और वेटलेसनेस का अनुभव उस आदमी को होता है। उस आदमी को अपने वेट का तो अनुभव नहीं होता ना, जो कभी 50 का था अभी 100 का हो गया, उसको थोड़ी लगता है कि 50 किलो बढ़ गया मेरा, नहीं, वजन कांटे पे खड़े होने से पता चलता है। तो ये भौतिक विधि से पता चलता है उसका वजन। यही चीज यदि स्वप्न अवस्था में यदि हम देखेंगे तो बिल्कुल ये वाला भी भार खत्म हो जाता है। केवल स्वप्न अवस्था और माने अशारीरिक
स्थिति में क्या अंतर मिलेगा। स्वप्न अवस्था में जगने से दुनिया निकलती है, शरीर पड़ा हुआ मिलता है, कमरा दिखता है, मच्छरदानी दिखती है, जैसे इन्होंने मच्छरदानी दे दी, मैं सवेरे उठाया तो उठा तो मच्छरदानी दिखी, मैं इधर ही हूँ, और उस दिन का सारा कार्यक्रम फिर सामने आता है। आज क्लास लेना है, सवेरे उठ के बुक करना है, फिर फल खाना है ना, फिर अनिल को मिलना था 8 से 9, ये सारी चीजें सवेरे खुली, जैसे मैं उठा एक पैकेट खुला उस दिन का, उस पैकेट में जीते। अशारीरिक जीवन की अवस्था में यह सपना कभी टूटता ही नहीं, यही अशारीरिक जीवन, तथा वो कुछ चीजों को प्रभावित भी कर सकता है क्योंकि घूमता भी है, तो वो सपना देख रहा है कि मैं इधर से मुरमुंडा जा रहा हूँ और एक्चुअली उसकी जीवन जाएगी, तो घूमते रहते हैं जीवन, कभी पीपल के पेड़ पर चढ़ गया, कभी इधर लटक गया, कभी किसी कलवट पर बैठ गया, कभी किसी के घर चले गया, कभी चाचा के घर देख लिया, वो जो देख रहा है वो हो भी रहा है, यही अशारीरिक जीवन की अनुभव का कल्पना है जो तो आपने पूछा। सपना में मतलब भी ऐसे कहीं जा सकते हैं, कोई कोई लोग करते हैं, जा पाते हैं सपना में भी, ऐसा हम सपना देखे रहते हैं कि मैं कहीं जाकर आया, हो सकता है कि जाकर आ गए। इस पर एक घटना शेयर करता हूँ जो मेरे ही साथ घटा था। मैं सपने में एक बार ये पीपल का पेड़ चढ़ा था और डाली टूट गई थी और जोर से गिर गया था, फिर जैसे गिरा तो अचानक मैं बिस्तर से उठा और पूरा डर गया था, तो वो सच में जीवन चला गया था क्या? क्या पता, वो कहना कठिन है, वो हो सकता है आपके सपने में ही। अब सपने में तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं, हम शेर के मुंह के अंदर जाके बाहर निकले थोड़ी। सचमुच मुझे कई वर्ष तक एक सपना आता था कि हम लोग एक घर पे हैं और बहुत सारे बाघ मिलके उसको अटैक कर रहे हैं, ये बार बार कई वर्ष आया मुझे सपना, मतलब ये 2-3 महीने में एक बार, कई बार महीने में एक बार रिपीट होता था, मैं डर के उठता था, और मेरा पूरा खानदान को मैं बचा रहा हूँ, अंदर से दरवाजा मार रहा हूँ, सब बंद हो रहा है ना। ये कई बार पुराना भी कोई शरीर यात्रा का स्मरण रह सकता है जो बहुत गहरा हो, कई बार आप कुछ देखे रहते हैं, कुछ पढ़े रहते हैं, वो सपने में आ जाता है, वो दिन हम जो पढ़े रहते हैं, सोचे रहते हैं, वही चीज सपने में आता है, है? वही वही। हाँ, तो आप पीपल के पेड़ से गिरे, अच्छा जीवन के रूप में है तो वो डाली टूटेगी नहीं, जीवन वेटलेस होता है, तो ये तो आपको सपना ही है। जीवन भार बंधन से मुक्त है तो पीपल का पेड़ कैसे टूटेगा, वो फ्लोट करता है, तैरता है बोलते हैं, जैसे जीवन, जैसे मान लो ये पीपल का एक डाली है ना, उसमें जीवन आके बैठ गया तो दबेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा वो, आप हम बैठेंगे तो दबेगा, टूटेगा भी। दूसरा फ्लॉ आपके स्टोरी में यह है कि पीपल का पेड़ पौधा आसानी से टूटता नहीं, आम का टूटता है, मुनगे का टूटता है, पीपल का आसानी से टूटता नहीं। देखो पीपल का तो बहुत सारा फ्लॉ है आपके उसमें, मतलब कुछ मटेरियल फिजिकल लॉस भी उसमें कवर नहीं हो रहे और जीवन लॉस भी कवर नहीं हो रहे। भैया जी तो गिरना ही है, तो मुनगे के पेट से गिरो, फिर हम मानेंगे कि सचमुच चढ़े थे। हैं? वही सपना ही होता है, सचमुच उठ रहे हैं कोई जरूरी नहीं है, कम होता है संभावना। भैया जी शरीर में जब शरीर धारण कर लेते हैं तो फिर सपना अवस्था में कैसे कहीं जा सकते हैं, शरीर के साथ बना हुआ है तो कैसे जाया जा सकता है? इसलिए मैंने कहा बहुत रेयर है, यदि कोई व्यक्ति कर भी लेता ये तो जीवन, मैंने उस शरीर को जीवंतता, मतलब उसको वो एक कनेक्शन बना कर रखता है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, बट बहुत सारे जो एग्जांपल्स पढ़ते हैं करने वाले, बहुत सारे केसेस मिल जाते हैं, भौतिक वस्तु को भी और अन्य जीवनों को भी, उनके मैंने कल्पना को, उसके ब्रेन को करता ही है, जानबूझकर ही करता है। आकार बढ़ता है बचपन से, वो जीवन में क्षमता होती है नहीं, वो शरीर की अपनी जेनेटिक पोटेंशियल, उसका जो स्वरूप है उसके अनुसार बनता है, कोई कोई रेयर केस में उसकी इच्छा शक्ति से और बढ़ जाता है,
उसको यदि ये स्वीकृति है कि मुझे और लंबा होना है तो हो सकता है उससे शरीर लंबा हो जाए, बट अदरवाइज तो जो रचना विधि है उस शरीर का उसके अनुसार बनता है। तो आपके माँ बाप के साइज के आप निकलोगे, आप कितना भी सोच के रशियन का साइज, छत्तीसगढ़ रशियन के साइज का नहीं हो सकता, कितना भी कल्पना कर ले कि मैं रशियन जैसा हो जाऊँ, वो 5 फुट 5 इंच में आके रुक ही जाएगा शरीर। यहाँ का इतना एवरेज है 5'5" 5'7" यही। हरियाणा चले जाओ, एक एक हरियाणवी एक छत्तीसगढ़ का, आपके साइज का 18 साल का एक हरियाणवी लड़का है तो दुगना होगा हाइट और वेट में। तभी पंजाब रेजिमेंट है आर्म फोर्सेस में, छत्तीसगढ़ रेजिमेंट नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सरकार भारतीय सरकार में रेजिमेंट्स को देखो, जाट रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट है ना, जेएनके राइफल्स, गोरखा राइफल्स, मराठा लाइट इन्फेंट्री है ना, गुजराती इन्फेंट्री दिखता है? नहीं नहीं दिखता, सब दुकान में बैठे। मतलब एक उसको आप वो एक जोक के रूप में लीजिए, मतलब कुल मिलाकर इसके लिए है कि जैसे वो है बॉम्बे सैपर्स, मद्रास सैपर्स, सैपर का मतलब जो चूस लेता है ना, बॉम्बे सैपर्स का हेडक्वार्टर्स पुणे में। तो शरीर की बनावट ताकत में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उधर बनावट ताकत अलग बन रहा है, वो जेनेटिक स्ट्रीम ही वैसा बन रहा है। सारे लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स देखिए अफ्रीकन, यहाँ खाने को नहीं है वही सबसे ज्यादा दौड़ रहा है, इथियोपिया सोमालिया मैराथन में, नॉट इन 100 मीटर स्प्रिंट। 100 मीटर स्प्रिंट में वो अफ्रीकन है जो अमेरिका में बड़ा हुआ, मतलब यहाँ का खा लिया तब वो दौड़ पा रहा है, पर जो मैराथन रनर है ये सारे वो है इथियोपिया सोमालिया, यहाँ खाने को नहीं है भूख मरी है वहीं ज्यादा दौड़ रहा है। तो शरीर की बनावट जीवन के कारण नहीं है कुल मिलाकर, हम आप कितना भी सोचेंगे मैं इतना भागू नहीं भाग पाएंगे। लेकिन जैसे जीवन का गतिपथ होता है वैसे ही शरीर निर्माण हुआ है? नहीं, शरीर के शेप को फिर जीवन ले लेता है, वो उसमें है एनिमल्स में है, जब नई शरीर को बनना है तब जीवन के गतिपथ के अनुसार। जैसा आपका शरीर, आप किसके जैसे दिखते हो, माँ के जैसे पिता के जैसे, ये इसको पूछने से पता, भाई हो ना, किसके जैसे दिखता है ये? माँ के जैसे। तो आपका शरीर का बनावट आपके माँ के शरीर के बनावट से आया है, आपका जीवन ने चूज किया ऐसा नहीं है। कोई भी हमारे जैसे बाबा जी की एक पोती है वो उनकी बुआ जैसे दिखती है, बाबा जी के बड़े बेटे उनके जैसे दिखते हैं, बाबा जी के छोटे बेटे उनकी पत्नी जैसे दिखते हैं, उनके जितने बच्चे हैं वो वाला स्ट्रीम पकड़ लिया पूरा, और जो बड़े बेटे हैं उनकी एक बेटी उनके जैसे दिखती है, उनके दो एक बेटा और एक बेटी उनके उनके पत्नी जैसे दिखती है इधर इधर से। तो एक जो स्ट्रीम है बाबा जी वाला जो अग्रहार वाला है उसमें बाबा जी उनके बेटे एक पोती है ना, फिर जो बेटे की जो पत्नी है, चार बच्चे हुए फर्स्ट बेटे के, एक फर्स्ट बेटी वर्षा वो अग्रहार वाला लीनियज को लेके चली है शरीर, जो बाकी तीन बच्चे हैं उनकी पत्नी रीवा की है, वो रीवा एमपी का स्ट्रीम लेके चल रहा है लुक, ठीक है, ये क्लियर दिखता है उनके घर में, बाबा जी बड़े बेटे और वर्षा जो इधर भिलाई में रहती है वो सब अग्रहार वाला चल रहा है, मतलब बाबा जी का कोई बाप पर दादा मामा चाचा कोई वैसा था वो वाला शरीर चल रहा है, उनके बड़े बेटे की एक जो श्रीमती है भाभी वो रीवा से है, तो चार बच्चों में से एक ने अग्रहार वाला पकड़ा और तीन बच्चे जो है रीवा वाला पकड़ लिए, एक अंकु है इधर रायपुर में रहता है वो रीवा है ना, एक टुन्नू है, रंग बुआ का आया मगर शेप जो है स्कलकार नाक का ये रीवा से आया है, वो भी ब्लेंड हो रहा है ना, रंग जो है इधर से लिया, बट अंकु का रंग एंड शेप दोनों इधर से आया, तो कलर एंड फॉर्म में भी मिक्सिंग हुआ, और एक गुड्डू है जो अमेरिका में रहती है ना प्रिया, वो है
सबके नाम ही मैं भूल गया, वो घर के नाम से है, वो ना पिताजी जैसे दिखती है ना माँ जैसे दिखती है, वो अपने बुआ जैसे दिखती है, अपने पिताजी के बहन जैसे दिखती है। वो पिताजी का बहन का चेहरा किधर से आया, वो ट्रेस ही नहीं है उधर, वो ना माँ पिताजी जैसे दिखती है ना अपने माँ जैसे दिखती है, वो कहीं और से आया। वो एक एक फैमिली में तीन लिंक अलग अलग, एक अननोन है, दो नोन, शरीर ऐसा है भैया, वो जीवन डिसाइड नहीं कर रहा है इन चीजों को। हाँ, शरीर में। और ऐसा भी बोला जाता है कि जैसे कोई पुराना दादा परदादा है ऐसे ही उसकी एक्टिविटी थी, आप भी ऐसा करते हो, ऐसा करके कुछ बोलते हैं तो वो क्या बोलते हैं, दादा परदादा? हाँ, दादा परदादा की एक्टिविटी रहती है। और कुछ जो बच्चे आते हैं और हाँ मेरे पिताजी भी ऐसे करते थे, ऐसे थे, ऐसा कुछ बच्चे में रहता है, तो उसे क्या कहेंगे? वो देख के कॉपी करता है बच्चा, माँ बाप को देखता रहता है, पिताजी जैसे चलता है वैसे ही बोलता है, वो सब जीवन तथाकार हो जाता है। नहीं, वो दादा पर दादा के जैसे रहता है, जो नहीं रहता है वही। वो घर में कोई वो कुछ चीजें शरीर से भी ड्रिवन है ना। नहीं, आप व्यवहार पक्ष को बोल रहे हैं कि कोई किसी कला विशेष को बता रहे हैं? व्यवहार पक्ष में रहता है, व्यवहार पक्ष वाला परिवार से ही कॉपी। व्यवहार अगर कोई याद नहीं रहता है कि ऐसे, अब मैंने इस बच्चे को देखा, ये बोलेंगे मेरे पिताजी भी ऐसे लेटते थे, सारे बच्चे ऐसे लेटते हैं, है ना, वो सब मन का भी कुछ होता है। मेरे पिताजी बिल्कुल ऐसे लेटे रहते थे, है ना, अब वो क्या बोलोगे आप, कैसा पता चलेगा उसका पिताजी लेट रहा है कि कौन लेट रहा है? उसको अलग अलग करके देखना पड़ेगा। हाँ, वो शायद पहले से आ रहा है, जो बहुत ही बचपन में ही किसी चीज को पकड़ लेता है। बट पता है कला और संगीत वाला बहुत सारा भाग ठीक है, जीवन का भी होगा, शरीर का भी होगा। जैसे स्पोर्ट्स की बहुत सारी चीजें हैं, वो शरीरगत है, ब्रेनगत है, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना। ठीक है, ब्रेक करके आता हूं। भैया जी, हम लोग ये स्वप्न और सुषुप्ति के बारे में तो समझ गए, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि जागृति की तुलना में ही स्वप्न एवं सुषुप्ति का अध्ययन है, तो इसका ही अध्ययन है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? जगे हुए जो हमारी स्थिति परिस्थिति है उसके तुलना में ही पता चलता है कि वो स्वप्न था। स्वप्न में रहते हुए ये नहीं पता चलता कि मैं भी सपना देख रहा हूं और वो जागृति है। इसी के तुलना में उन दोनों का आकलन हो पाता है। जैसे अभी हम जगे हैं तो हमको पता चलता है कि मैं कल कुछ सपना देखा था, या रात को नींद अच्छी हुई, नींद ठीक से नहीं हुई, इसके तुलना में उसका पता चलता है। उसमें जब रहते हैं उसमें इसका पता नहीं चलता, इसलिए इसके तुलना में उसका पता चलना। सपना के अंदर सपना भी सपना ही है ना, आप ये सपना देख रहे हैं कि वो सपना कर रहा है, दोनों सपना ही हो गया। तो उसमें वो पता चल रहा है ना कि मैं सपना देखा करके, सपना में उसका अध्ययन हो जा रहा है, मतलब एक टाइप से, मतलब पता चल जा रहा है। नहीं, वो जो आप देखने वाला भी सपना ही है ना, वो जागृति नहीं है ना। जो देखने वाली इकाई है सपना देख रहा है, सपने के अंदर आप देख रहे हैं कि मैं सपना देख रहा हूं, तो डबल सपना हो गया, मतलब डबल भ्रम हो गया, उसमें जागृति नहीं है, वो और नीचे चले गया, दुगना भ्रम, भ्रम भ्रम मानो ऐसा हो जाएगा। ठीक है भैया, इस पर अभी चर्चा चल रही थी टी ब्रेक में कि स्वप्नावस्था में क्या होता है, कि चाचा जी के साथ चर्चा कर रहे थे कि चाचा जी बताएं कि जनरली क्या होता है कि कोई चीज इच्छा होती है और वो पूरा नहीं होती है, मान लीजिए
वो सपने में जाकर के पूरा होती है। तो पढ़ाने की बढ़िया शिक्षा हुई, नहीं बोर्ड में पढ़ा पाए तो सपने देख ली कि बढ़िया से हम बच्चों को पढ़ा लिए। तो उसमें एक मेरा भी एग्जांपल सेट हो गया कि जब शुरू शुरू में विद्या से जुड़ा तो ऐसा एक क्षोभ जैसा रहता था कि बाबा जी से नहीं मिले। तो दो तीन साल बाद वो सपना आया कि एक बार मैं मानव तीर्थ में बाबा जी से मिला था, वो गले मिला था। तो क्या सच में ऐसा होता है कि जो चाहते हैं और वो सब उसके हमारा ही कल्पना होता है, सच में तो होता नहीं। हमारा हम कुछ जीते जी नहीं कर पा रहे हैं, वो सपना में पूरा हो जा रहा है, हमारी ही इच्छा है। सपने की गति भाई अक्षय है, बहुत तीव्र गति द्रुत गति से होता है। जैसे मैं बड़ा हो गया, मेरे विवाह हो गए, मेरे 5 बच्चे हो गए, उनकी शादी हो गई, भौतिक रूप से घटाने के लिए 40 साल लगे गए, एक रात सपने में निपटा दिया सब। उठ के देखा वहीं पर हूँ, बेरोजगार हूँ, शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं हुए, सारा करना बचा है, करना पड़ेगा, ऐसा ही है। भैया एक और सपने में जागृत हो गए भैया, उसमें क्या होता है जैसे फिर वो सपने में भी जागृत हो गए तो शिष्य भी सपने में मिलेंगे, जागृत में शिष्य कोई बनेगा नहीं। वो पूछेगा तुम जागृत हो? हाँ मैं सपने में जागृत हो गया था। बोला फिर सपने में ही तो पढ़ा, अभी शांत बैठ जाके बैठ साइड। होता ही है जो अर्जेंट अनुभव है और कंफ्यूज अनुभव है, वो जीते जागते वो सपना कर लेता है कि मैं समझ गया, यही भ्रम है। जागते हुए सपना देखना यही है। किसी प्रारंभिक या अल्प या आधुड़े स्थिति को मैं समझ गया मान लेना, होता ही है। बहुत लोगों को जल्दी ज्ञान हो जाता है, केवल इस विधा में नहीं, हर विधा में, किसी भी दर्शन शास्त्र में। तभी तो इतने सारे लोग बाबा बनकर घूम रहे हैं ना। हो सकता है उनको कुछ पकड़ हो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, यदि वो मानते हैं कि मैं पूरा हो गया। जैसे एक दो केसेस का सुनने में आता है कि मैं नाम वाम से नहीं बताऊंगा, कि उनको लगता था कि मैं हो गया, मैं पूरा हो गया, मैं भगवान हो गया। उसके लिए शिष्य भी मिल जाते हैं, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं मानने के लिए, उनके पास कुछ ताकत भी आ जाती है, कुछ कुछ हो जाता है। बट इसमें जो अनुभव लिखा, अनुभव प्रमाण लिखता है, वैसा कोई दिखता नहीं उसमें। तो वो भी सपना ही है, ये मान लेना कि मैं समझ गया, पूरा हो गया मेरा है, दिवा सपना वही है। ऐच्छिक होता है कि अनैच्छिक? देखिए सपने में जो होता है कहीं ना कहीं मूल में इच्छा के रूप में होता है, जब घटित होता है तो अनैच्छिक ही है, हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है ना। सपने में जो हो रहा है उसको नियंत्रित कहाँ कर पाते हैं? हम नहीं कर पाते हैं, उसका नियंत्रण नहीं आ पाता है। ऐसा यदि कर रहे हो इसका मतलब नींद पूरी नहीं हुई और अच्छे से सोना चाहिए। वो आप जो कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि उठने के कुछ पूर्व ऐसा लगता है कि सपना हो रहा है और हम सपने को देख रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, सपने को देखने वाली कोई क्रिया है जीवन में, वो सपने को देख रहा है, वो तात्कालीन रूप से कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो अपने ही सपने का हम दृष्टा बन जाते हैं। जैसे आप ये ट्राई भी कर सकते हो, जैसे प्रातः जब उठते हैं तो नींद मत को आंख मत खोलिए, नींद खुलती है ना, नींद खुलते साथ क्या करते हैं, आंख खोल देते हैं, ठीक। तो आंख मत खोलिए, आंखों को बंद ही रखिए। तो यदि उसके पूर्व में कोई सपना चल रहा होता है, कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि वो सपना चलते जा रहा है और आप उसको देखते भी जा रहे हो, आप जग गए लेकिन सपना भी पैरेलली चल रहा है, तो सपना का हम दृष्टा हो गए। इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं आप। बीच की स्थिति है, सपने से टूट के जागृत में आने की स्थिति है, उसको देख लेते हैं। ये सारा ब्रेन के साथ हो रहा है। तो सपना अवस्था को आप लिटरेचर को पढ़ेंगे तो बहुत सारा लिखा है, ब्रेन की एक इलेक्ट्रिकल स्थिति है सपना अवस्था, उसकी इलेक्ट्रिक। हाँ सपने में बात करते रहते हैं, आंख खोल के देखने लगती हूँ मैं। इसमें अंकल से पूछना पड़ेगा वो कैसे सोते हैं, यदि आप रात भर बात कर
करते हैं तो इनको कैसे नींद आती है? आप सो पाते हैं? अच्छा, तभी तो अच्छी स्थिति हो गई। एक बार सो गए तो सवेरे उठे, नहीं तो आप दोनों जगह रहेंगे, आप उनको भी जगाए रखेंगे। नहीं, वो उसमें दो स्थिति हो सकता है जो लगता है। इसके लिए जो एक्सपर्ट लोग हैं, ब्रेन साइंटिस्ट, ये सब और बढ़िया इसका अध्ययन करते हैं। एक तो ऐसा लगता है कि जीवन का कुछ भाग है, जैसे यदि सप्नावस्था में चले गया तो जैसे कुछ लोग स्लीप वॉकिंग करते हैं, है ना, जैसे नींद में चलते हैं और सपने में जो हो रहा है उसको पूरा एक्ट करते हैं। बीच बीच में ये पेपरों में एक न्यूज आइटम ऐसा आएगा कि एक आदमी नींद में सो रहा था, या लड़का बच्चा, और खिड़की खोला और गिर गया। तो सपने में वो दरवाजा खोल रहा है ना, और उसको सच्चाई मान लेता है, जीवन का ही दूसरा भाग उसको शरीर के द्वारा। एक्चुअली होना क्या चाहिए कि जैसे सपन अवस्था में गए तो ज्ञान कर्मेंद्रियों द्वारा कुछ भी करना शट डाउन हो जाता है, हाथ और पैर से, है ना, और सांस चलती रहती है, उस समय शौच पेशाब भी कुछ होता नहीं। और ज्ञान इंद्रियों से जो इनपुट आना है और जो आउटपुट देना है, ये बिल्कुल जीरो स्टेट या जीरो से थोड़ा ऊपर स्टेट में आके स्थित हो जाता है। लेकिन यदि ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रिकल इश्यू है, मैं इलेक्ट्रिकल नाम दे रहा हूँ उसको, है ना, कोई इश्यू है, या जीवन यदि उसको सही मान ले रहा है, तो उस समय उस सपने को वह शरीर के द्वारा भी व्यक्त करना शुरू कर देता है। ये इसको बीमारी ही बोलेंगे, है ना। हाँ, तो वो मुंह से भी व्यक्त हो रहा है जैसे बोल रहे हैं, बट ये वाली चीज लोग दिन में भी बोल करते हैं। कई लोग अपने से ही बात करते हैं दिन में, अरे यार तूने क्या कर दिया, पहले तुमने, मैंने तुमको बोला था। वो अपने से ही बात करता है, करते हैं ना, हम अपने से बात करते दिन में भी, अपने अंदर कुछ चलता रहता है, वो मुंह के द्वारा हम व्यक्त करते रहते हैं। ये लगता है कि उसी का एक्सटेंशन स्वप्न अवस्था में हो जा रहा है। तो गहरी नींद के लिए औषधियां वगैरह आती हैं, उसे गहरी नींद आते हैं, जैसे भ्रामी आता है ना, तो भ्रामी को ले लिया तो रात को नींद कम हो जाएगा लेकिन गहरा हो जाएगा। तो भ्रामी में जो ड्रग है वो ब्रेन के उन पार्ट्स को शांत कर देता है। हाँ, नहीं तो नींद की गोली आयुर्वेद वाला ले सकते हैं, एक अमरकंटक में ही बनता है भ्रामी कर्प, अभी अम्मा दीदी आएंगे 1 से 10 नवंबर, उनसे बात कर लीजिए। नहीं तो एक ऑर्गेनिक इंडिया का आता है स्लीप वेल बोल के, उसमें अश्वगंधा और भ्रामी दोनों होता है। अश्वगंधा बोलते हैं कि शरीर के स्ट्रेस को कम करता है, तो डाबर का एक आता है औषधि, उसका नाम है स्ट्रेस कॉम, है ना, वो अश्वगंधा फोर्टिफाइड 8 बार उसको वो करते हैं, शोधित करके, वो भी अच्छा काम करता है, वो ब्रेन को शांत करता है। मतलब उस औषधि में जो केमिकल्स हैं या जो भी औषधि है वो ब्रेन के उस भाग को जाके कुछ रीसेट करता है या संतुलित करता है, जिससे फिर गहरी नींद आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये दो तो मैं जानता हूँ, हमारे आसपास के लोग प्रयोग किए हैं, स्लीप वेल और, हाँ, क्योंकि वही तो थकान तो रहेगा क्योंकि ब्रेन पूरा रेस्ट नहीं हो रहा है। ये बीमारी है क्या? बीमारी बोलने से ऐसा लगता है कि आदमी पागल हो गया है, सब बीमारी नहीं बोल, है तो बीमारी, पर आयु के कारण भी होता है। आयु के कारण जो है ब्रेन को जैसे शट डाउन होना चाहिए वैसे होता नहीं, कभी कभी हमारी मन की स्थिति के अनुसार भी होता है। हमारी नानी को नींद ही नहीं आता रहा, उस समय तो अंग्रेजी औषधि ही लेना पड़ा उनको, वो लेती थी एक, वो भी देखे तो नींद की गोली जैसे नहीं, वो एक्चुअली उसका नाम ही है रेस्टिल, शांत करता है वो। भैया सपने में सोते सोते जैसे रोने लगना, फिर सच में आंसू गिरते हैं, तो मतलब उठो तो सही में आंसू बह रहते हैं, सही में रोते रहते। वही वाली चीज है, ये बोल रहे हैं आपका आंसू निकल रहा है, कुछ चल रहा है, कर्म इंद्रियों द्वारा प्रकट हो गया कुछ, जैसे बोलना भी एक कर्म इंद्रिय है ना, गल ग्रंथि से बोल दे रहे हैं, कोई आदमी बोल नहीं रहा, चलता है। स्लीप वॉकिंग आप नेट पर देखेंगे तो बहुत सारी यूट्यूब में लोगों ने घर पे वीडियो भी लिया होगा, अपने ही परिवार के लोग जो चल रहे हैं, तो उसकी आंखें ऐसे सीधी होती है, देखने के लिए ऐसा लगता है कि वह जगह है मगर अंदर से सोया हुआ रहता है, और उसका पैर भी चल रहा है, ऐसे चलता है। आप उससे बात कीजिए, वो ध्यान नहीं देगा आपको। भैया जीवन और ब्रेन, जीवन और मेदस
और इनके बीच का अंतर संबंध बहुत ही शानदार एक चीज है, वस्तु है समझने के लिए। भैया जैसे कि सपने में कहीं चल रहे हैं और कहीं से गिर गए ऐसे लगता है, फिर नींद जो गहरी नींद रहती है वो अचानक से जग जाती है एकदम से, तो वो मतलब जीवन सहीम कहीं जाके चल रहा होता है ऐसे क्या? नहीं, वो कल्पना ही है। गिर गया, इतना भय हो जाता है कि उठ जाता है, उस भय को देख नहीं पाता है। अच्छा, भाग खा लिया, चोरी हो गया, गिर गया, तो इतना वो फिर जग जाता है। अच्छा, तो ये कल्पना कल्पना ही है। सपने में ब्रेन हमारे मेदस के कुछ पार्ट का फंक्शनिंग कम हो जाता है या शटडाउन जैसे हो जाएगा, वो वापस जग जाता है। जैसे हम सपना देख रहे हैं गहरी नींद में, कोई आग आग चिल्लाता तो उड़ जाते हैं, तो वो जीवन शरीर के साथ कितना तदाकार है और शरीर का स्वास्थ्य दोनों के योगफल में होता है। जैसे एक बार हम लोग कानपुर गए थे एक सत्र में, एक शिविर में, मुझे अच्छे से याद है, एक वैन था, एक शेवरोले ऑप्ट्रा, वो एक गाड़ी थी टवेरा, उनका ड्राइवर किन्हीं को लाया होगा शिविर में सो गया था, है ना, और सो के वो दरवाजा खोल के सोए थे, तो उसका सर जो है उस जो सीट है उससे थोड़ा बाहर आया था, उसके सर पे मैं लगभग उसके मुंह पे, उस व्यक्ति के मुंह पे मैं 28 मच्छर गिना, वो मच्छर उसके मुंह पे बैठ के चूस रहा है ना, और वो सो रहा है, मैं बैठ के गिन रहा था 1 2 3 4 28 गिने, और आदमी उठ ही नहीं रहा है, वही शरीर में बेहोश हो गया है वो। मेरे कान के पास यदि एक मच्छर आता तो मैं उड़ जाऊंगा, काटना तो दूर, कुई करता मैं उड़ जाता हूँ, तभी तो इनसे वो मच्छरदानी लिया 2 दिन बाद। उस आदमी के चेहरे पे 28 मच्छर बैठ के चूस रहा था वो बेहोश। तो या तो शरीर इतना थक गया है, वो 4 दिन से सोया नहीं, ब्रेन थक गया तो फुल शटडाउन में चले गया। 3 दिन से एक आदमी को नींद, ड्राइवर लोग 2 2 दिन 3 3 दिन सोते नहीं है, तो सोता है तो बेहोश होके सोता है, ही भी है और जीवन भी शरीर के साथ उतना तादात्म्यता हो जाता है, शरीर को सोने को अपना सोना मान देता, बट अधिकांश ब्रेन के साथ ही है, कुछ उसमें जीवन वाला भाग है उसको अलग करना। हमारे घर में एक बिटिया है, उसको जैसे सवेरे उठाते हैं तो सोई रहती है ना, फिर हमने ये भी ट्राई किया, जैसे ये सोफा है ठीक है, तो उसको उठाया, उसको उठा के जगा के बिठाया, तो सोफे पे डूब गिर के सो रही है, 5-6 साल की होगी है ना, तो बिल्कुल सोफे पे ही 1 घंटा सो रही है, मतलब ऐसा भी नहीं कि उठी। फिर उसको इधर पलटा है वहां लुढ़क के सो जाती है, यहाँ पलटा है यहाँ लुढ़क के सो जाती है, एकदम तदाकार रहता बच्चा शरीर के साथ, वो बिल्कुल जो बच्चा पैदा होता है उसी स्थिति में होता है, बिल्कुल चूहे का पिल्ला जैसा, मतलब कहीं भी डाल दो सोता है। कई लोग भैया मतलब कि कहीं शादी वादी होती है कुछ कार्यक्रम तो इतनी हल्ला होता है शोरगुल, फिर भी कई लोग एकदम सो जाते हैं, और हम लोगों की नींद ही नहीं पड़ती है आवाज के कारण, दारू पिए होंगे कुछ कुछ शादियों में दारू पी के सो जाते हैं लोग। नहीं, मेरी चाची है ना, वो भी सो जाती है हल्ला वल्ला। मैं पंजाब में हमारे मित्र के विवाह में एक बार गया था कई वर्ष पहले, तो उसमें मैंने देखा कि लोग, वो विवाह का जो तैयारी था 4 दिन पहले से, विवाह का तैयारी क्या था, रोज रात को शराब और जुआ, दिल्ली में पंजाबी वेडिंग था, तो उस दिन मुझे पहली बार ये साक्षात्कार हुआ, ज्ञान हुआ कि शादी में लोग पीते भी हैं, हमको पता नहीं था पहले, वो शायद दारू पी के सो गया, थकने से सोते होंगे, छत्तीसगढ़ में नहीं करते होंगे, थक के सोते होंगे, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। गिर के कंटिन्यूसली सोते हैं। मेरे माँ बाप बोले, मैं ट्रेन में गया था एक बार, तो ऊपर वाले बर्थ में सो रहा था, वो ऐसे घूमा और ऊपर के अपर बर्थ से स्लीपर में ऊपर से गिर के नीचे गिरा हूँ, नीचे गिर के सवेरे जब देखे तो नीचे सोया हुआ मिला, मैं नहीं उठा, मैं एकदम गहरी नींद में नीचे गिरा, गिर के सोते रह गया। अभी ऐसा नहीं है, अभी मेरा लंबाई ज्यादा है, मैं 6 फुट 2 इंच का हूँ, वो जो बर्थ है उसका जो लंबाई है वो 5 फुट 11 इंच का है, तो मेरा पैर हमेशा बाहर रहता है, आते जाते हर आदमी का मुंडी टकराते रहता है मेरे पैर पे, तो रात को नींद ही नहीं आती।
वो ऐसा मोड़ के सो तो घुटना दर्द करता है, लोगों का मुंडी लगता रहता है। मैं चलने वाले आदमी का भी सोचता हूँ, तुम चल रहे हो सामने एक आदमी का पैर है उसमें टकराता है, वो भी समझ में आता है उसको, वो झुकता भी नहीं है, वो भी बेहोश है ना। अधिकांश लोग आप देखिए बेहोश, और फिर कुछ तो सभ्यता का भी भाग है। जैसे भारत में आप एक सीट में बैठे हैं, यदि आप यूरोप में बैठे हैं एक सीट पे बैठे हैं, बगल में बैठना है किसी को, आके पूछेगा बैठो कि नहीं बैठो, यदि बैठना है तो 6 इंच छोड़ के बैठेगा, छुएगा नहीं, वहां की सभ्यता। इधर आप बैठो एकदम चिपक के बैठ जाएगा आदमी आपके बगल में, पूरा उसका पसीना गंध सारा आपके ऊपर घर्षण कर रहा है, उसको कोई होश ही नहीं है कि मैं किसी के मतलब इतना चिपक के बैठा हूं, पूछना तो दूर, आप एकदम चिपक जाएगा। तो वो कुछ गांव का आदत, कुछ शहर का आदत, वो भी मान लो। शहर के बसों में ट्रेवल करना, गांव के बसों मेरे लिए कठिन, मैं तो मेरा पैर ही फिट नहीं होता है। मैं एक बार नॉर्थ ईस्ट में ट्रेवल कर रहा था मणिपुर तरफ, वो नॉर्थ ईस्ट में सब लोग कम कद के होते हैं, 5 फुट, तो बसें भी उस हिसाब से बनी है सीट और वो सब, तो मेरा फिट ही नहीं आता था पैर, तो मैंने 2 सीट खरीदे ताकि मैं फैल के बैठू। मैं बैठ ही नहीं सकता ना, मुझे ऐसा बैठना पड़ेगा, पैर के लिए जगह ही नहीं है, पैर को ऐसे मोड़ लो, ऐसा बैठे रहो, अभी 7 घंटा जर्नी ऐसा कैसे करोगे आप, है ना। अगरतला जा रहा हूँ मणिपुर कैपिटल से, इम्फाल से अगरतला बस की जर्नी है 13 घंटा 12 घंटा, कैसे करेंगे। 2 सीट खरीद लिया। वो एक महिला आई तो बोली जगह दो, मैं अच्छे से बोला कि मैं तो वहीं के थी वो, तो मैं अच्छे से बोला कि मेरा पैर लंबा है, मैंने 2 सीट खरीदा है, ना मेरे से नहीं होता है। वो गुस्सा हो गई, बोलती है तुम 2 सीट खरीद ले तो क्या तुम्हारे पिताजी का सीट हो गया क्या, बोल के मेरे गोदी में बैठ गई, है ना। अब मैं इतना वो हो गया कि मेरी तो अभी पिटाई हो जाएगी, मैं 26 साल का था बैचलर लड़का, है ना, कि लोग तो मुझे पीट जाएंगे, मैं भागू भी कहां से, यहां से खिड़की है, वो खिड़की का भी छेद इतना छोटा है उसमें से घुसूंगा भी नहीं मैं। तो ये सब होता है सभ्यता अलग अलग जगह। वो आके गोदी में बैठ गए भाई, फिर मुझे वो कंडक्टर को बुलाना पड़ा, भाई इसको समझाओ भाई कि मैं चेकपॉइंट जाऊं किधर इस बस में। कुछ नहीं है, कुछ सभ्यता है, कुछ आदतें हैं। क्या साउंड है ये, वाइब्रेशन आपको आ रहा है? ओ चलिए आगे वापस जीवन में आते, बहुत शरीर के अंदर बहुत चले गए हम लोग। भैया ये तुरीय और तुरियातीत अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय तुरियातीत परंपरा में ऐसा है, तो वो तुरीय तुरियातीत को इसमें मतलब यहाँ परिभाषित नहीं है तुरिया और तुरियातीत। और जैसे कोमा में है या समाधि में है तो अवस्था क्या है मतलब? भैया कोमा एक अलग अवस्था है, समाधि एक अलग अवस्था है। कोमा बेहोशी है, कोमा में ब्रेन की ऐसी डैमेज हो गई कि जीवन अपना संकेत प्रसारित नहीं कर पा रहा है शरीर में, इसको कोमा कह रहे हैं, है ना। समाधि में ब्रेन में कोई डैमेज नहीं, तुरिया वुरिया इसमें नहीं, अपने पोर्शन से बाहर है वो, और सब परंपरा के शब्द हैं, है ना, उसको अभी हम यहाँ नहीं लेंगे। पहले यहाँ जो लिखा है उसको पहले स्थिर कर लीजिए, उसके बाद जोड़ने जाइए, नहीं तो वो हो जाएगा साबुदाना खिचड़ी हो जाएगा। साबुदाना खिचड़ी देखो सब चिपक जाता है, थोड़ा मध्य दर्शन, थोड़ा वेदांत, थोड़ा सांख्य दर्शन, थोड़ा है ना आगम तंत्र उपासना, सब चिपक के गोला बन गया, ठीक है ना। पहले दाने को अलग अलग कर लेते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद उसको जोड़ते हैं, ये तो सारा चिपक जाएगा हमारे अंदर। भैया 39 का छठ वाला है, बोलिए। हाँ पहला रूप और गुण के योगफल वाला, रूप और गुण के योगफल में विषम, रूप गुण स्वभाव के योगफल में सम, रूप गुण स्वभाव धर्म के योगफल में मध्यस्थ प्रतिष्ठा है, यही प्रकृति की संपूर्ण प्रतिष्ठा है, यही रासायनिक एवं भौतिक सीमा में उद्भव विभव प्रलय को तथा चैतन्य अवस्था में गठन पूर्णता क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता को सिद्ध किया है। ठीक है, तो जीवन में इसको एक बार आप
ठीक है, चित्त का चित्रण क्षेत्र तक मात्र सम और विषम आता है, बुद्धि में सम प्लस मध्यस्थ ज्ञान आता है, आत्मा में मध्यस्थ ज्ञान पूरा होता है। चित्त के चित्रण में मात्र रूप और गुण आता है, वृत्ति में इसका विश्लेषण होता है। ठीक, तो जब तक रूप गुण तक ही सीमित है तब तक हमारा चित्रण या व्यवहार या तो सम प्रधान है या विषम प्रधान है। ठीक, या तो अधिक हो रहा है या कम हो रहा है, वो बैलेंस नहीं होता। जैसे हमारा व्यवहार भी या तो ज्यादा अच्छा हो रहा है या ज्यादा बुरा हो रहा है। जैसे स्नेह को दिखाना, उदारता को दिखना, मैंने ओवरडू कर दिया, मुझे समग्र व्यवस्था में भागीदारी करनी है, अध्ययन के लिए जितना करना उसे बहुत अधिक, पूरे दिन संसार के पीछे ही दौड़ रहा हूँ, इनको जागृत करूंगा, उनको जागृत करूंगा, समाज को खड़ा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये सारा सम गति। ठीक है, सब बेकार है, कुछ नहीं होगा, ये विषम गति। तो सम और विषम ये दोनों रहता है हर समय, इसको आवेश नाम दिया है, समावेश तथा विषम आवेश। तो हमारे अंदर कोई ना कोई आवेश की स्थिति रहती ही है। जब संतुलन भी रहता है, जैसे मान लीजिए अभी मैं आवेश में नहीं हूँ, जैसे मैं अभी अपना यदि आकलन करूं तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा है ऐसा भी नहीं लगता है ना, विषम बहुत। तो कोई कोई स्थिति में ऐसा लग सकता है कि संतुलन होगा, बट समय के साथ देखेंगे तो उसमें कुछ एक सम गति की ओर, कुछ एक विषम गति की ओर। जैसे कुछ मैं उदाहरण लेता हूँ, तो हो सकता है कभी कुछ अधिक हो गया, कुछ कम हो गया, इस प्रकार की चीजें या दोष उसमें रहना भावी है। तो चित्रण तक क्या समाता है? रूप और गुण समाता है। स्वभाव और धर्म का भाषा रहता है। स्वभाव और धर्म का क्या आएगा? भाषा प्लस कल्पना। जैसे धर्म क्या है, स्वभाव क्या है, हम अभी पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो कल्पना में आता है। जैसे धीरता, वीरता, उदारता मनुष्य का स्वभाव है, तो धीरता के बारे में हमारे अंदर एक कल्पना आती है। मतलब धीरता का मतलब हम चित्रित करते हैं कि एक आदमी को दूसरा आदमी कुटाई कर रहा है, ये कुछ बोल ही नहीं रहा है, इसका मतलब धीरता है। मैंने अपने कल्पना से धीरता को बना ली, है ना। वीरता, मैंने अपने कल्पना से बना ली। उदारता, हमारे घर में जो भी आया सारा खाना का सामग्री निकाल के उसको खिला दिया, ये उदारता, ये मैंने अपने कल्पना से उदारता को बना लिया। ठीक, लेकिन इसका ज्ञान कहाँ होता है? बुद्धि में ही होता है। और आत्मा में क्या ज्ञान होता है? धर्म प्लस सत्य ज्ञान, पूरा। आत्मा में जाके धर्म और सत्य पूरा का पूरा समझ में आता है। ठीक है, तो अब इस लाइन को जी देखेंगे, रूप और गुण के योग फल में विषम। तो यहाँ कह रहे हैं कि विषम प्रधान है ना, मतलब ओवरऑल यदि देखेंगे तो विषम गति होगी, बीच में थोड़ा सम होगा बट बाद में विषम होगा। रूप गुण स्वभाव, तो स्वभाव जैसे आ गया तो चित्त का चिंतन क्षेत्र भी जुड़ जाएगा, ठीक है ना, और साथ में बुद्धि में अवधारणा में जुड़ जाएगा, उसको कह रहे हैं सम। सम क्या है? सम प्रधान। यहां पर विषम सम जो लिखा है प्रधानता को लिखा है, हाँ? साक्षात्कार जुड़ने से स्वभाव जुड़ता है, उसके पहले नहीं जुड़ता है। वही स्वभाव जुड़ने से साक्षात्कार होगा, वो भी उल्टा भी कर सकते हैं, स्वभाव जुड़ने से है ना। तो रूप गुण स्वभाव को जोड़ने से सम, ये मनुष्य के लिए लिखा है। रूप गुण स्वभाव धर्म देखिए ऊपर के योग फल में मध्यस्थ प्रतिष्ठा है। सो धर्म पहले बुद्धि में, उसके बाद अंततः आत्मा में ही पूर्णतया अनुभव में आता है। यही प्रकृति की संपूर्ण प्रतिष्ठा है, क्योंकि प्रकृति में ये जो आयाम है या प्रकृति की ये जो आयाम है, इसको समझने वाला मानव ही है या मानव जीवन ही है। ठीक, यही रासायनिक एवं भौतिक सीमा में उद्भव, विभव एवं प्रलय। उद्भव का मतलब बढ़ना बराबर सम, विभव का मतलब बने रहना बराबर मध्यस्थ है ना, प्रलय का मतलब बिगड़ना बराबर विषम। जैसे एक पेड़ का बढ़ना उद्भव गति, बने रहना विभव गति, बिगड़ना प्रलय गति। शरीर का बढ़ना उद्भव, बने रहना विभव और घटना प्रलय, पीरियड में, हाँ लॉन्ग टाइम है। हर एक का टाइम अलग है, एक आदमी का शरीर अलग है, एक
कि टॉर्टोइस को क्या बोलते, केंचुआ, नहीं नहीं कछुआ, केंचुआ कछुआ, कछुआ 200-250 वर्ष तक रहता है, उसका विभव काल अलग है, वो शरीर रचना के अनुसार है विभव काल, है ना। एक पपीता का पौधा 4 वर्ष, आम का पेड़ 80 वर्ष, 100 वर्ष, पीपल का पेड़ 1000 वर्ष, ठीक, बरगद का पेड़ 1000 वर्ष, 1500, उसका विभव काल अलग है, वो शरीर रचना या रचना विधि के अनुसार उसकी विभव की अवस्था आएगी। तथा चैतन्य अवस्था में गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता को सिद्ध किया है। ठीक है, ये लाइन क्लियर नहीं हो गया, यही बोल रहे हैं, ये सम विषम और मध्यस्थ को बोल रहे हैं, यही रासायनिक एवं भौतिक सीमा में। हाँ, ये प्रक्रिया कौन सी, सम विषम मध्यस्थ जो है, हाँ बिल्कुल उसी को। तो भैया तो ये इसमें जुड़ रहा है, ये रासायनिक भौतिक वाला में, इसमें कैसे होगा वो समझ नहीं आया। चैतन्य, चैतन्य में यदि देखेंगे तो वो सीधा सीधा नहीं जुड़ेगा, उसमें थोड़ा सा और माइंड बुद्धि लगाना पड़ेगा। गठन पूर्णता कैसे सिद्ध होता है, रूप का जो पूर्णता है यही गठन पूर्णता है, रूप की पूर्णता हो जाती है गठन पूर्णता में, है ना। रूप की पूर्णता होने से गुण जो है उसका बदल जाता है, उसमें चैतन्यता या जीने की आशा आ जाती है, फिर एक लंबी प्रक्रिया है, रूप और गुण के साथ ही वो जीता है, ठीक, स्वभाव का अपेक्षा रहता है, यही धर्म ग्रंथों में लिखा है ना, लव दाई नेबर लाइक यू लव योरसेल्फ, है ना, सामने वाले से भी ऐसे ही प्रेम करो जैसे तुम अपने से प्रेम करते हो, ये सब स्वभाव की अपेक्षा में ही धर्म ग्रंथों में लिखा है, या साधु महात्मा महापुरुषों का जो उपदेश है वही है। कोई भी साधु महात्मा ये नहीं बोलता है कि काटो मारो काटो, वो फिर उसको राजा बोल देंगे, साधु महात्मा नहीं बोलेंगे, ठीक। क्रिया पूर्णता की स्थिति में रूप गुण स्वभाव वाली बात आ जाती है, आचरण पूर्णता में धर्म पूरा होता है, आचरण पूर्णता के ज्ञान में। माइक, रूप गुण स्वभाव को क्रिया पूर्णता बोलते हैं, क्रिया पूर्णता के स्थिति में रूप गुण तथा स्वभाव की पूर्णता पाई जाएगी, धर्म का जो भी बचा रहेगा वो आचरण पूर्णता के ज्ञान में पूरा होगा, ये भाषा है। मतलब ये अध्ययन विधि में 1A 2A जो कि 3A, उसके बाद वो क्रिया पूर्णता का प्रमाण प्रस्तुत करेगा और आचरण पूर्णता का प्रमाण प्रस्तुत करेगा 1B 2B 3B, ऐसा। ये जब भी ये मानव देव मानव दिव्य मानव और ये सारी चीजें, ये इस टाइप की चीजें आते हैं, वो आप फॉर्मूला को वहां सेट करके देखना कौन सा बैठता है उसमें, आप खुद ही करोगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा, कुछ समय लगेगा उसमें। हाँ जी, 49। इसमें दिया लक्ष्य ही विश्राम, लक्ष्य विश्राम ही है, तो लक्ष्य को प्राप्त करना ही विश्राम है ना, कि लक्ष्य को निर्धारित करना विश्राम है। नहीं, फिर बोलिए, लक्ष्य विश्राम ही है, हाँ ठीक है, नहीं लक्ष्य विश्राम भी लक्ष्य है ना, हम श्रम नहीं चाहते हैं, हाँ तो पूर्ण विश्राम, अनुभव को पूर्ण विश्राम का है, कई बार विश्राम, यह केवल सत्य में ज्ञान एवं अनुभव है। या ये अभिव्यंजना और व्यंजना, इसमें क्या कहाँ पर है, मैं और कुछ पढ़ने लगे, कौन सी लास्ट पैराग्राफ, प्रकृति ब्रह्म में संपृक्त है, प्रकृति के अपेक्षाकृत विकास के आधार पर अधिक विकसित की अभिव्यंजना
अभिप्राय सहित व्यंजना और कम विकसित की व्यंजना प्रसिद्ध। अभिव्यंजना में गुणात्मक विकास का संकेत, व्यंजना में उपयोगिता का संकेत है। अभिधेय प्राय अभिधेय जैसा ही अभिप्राय है जिसमें अभिधेय का भास या आभास होना आवश्यक। अभिव्यंजना का मतलब अभिव्यक्त जो हो रहा है। तो कुल मिलाकर क्या कह रहे हैं कि प्रकृति का व्यंजना होता है, मतलब हमसे कम विकसित का व्यंजना होता है और अधिक विकसित का जो एक्सप्रेशन है, जो अभिव्यक्ति है, उसको अभिव्यंजना कह रहे हैं। जैसे व्यापक वस्तु, देखिए सब पारंपरिक भाषा है, वो करेंगे कि प्रकृति के लक्षणों को समझना, इसको व्यंजना कह रहे हैं, है ना। भास आभास प्रतीति जो होता है जिसमें रूप गुण स्वभाव धर्म होता है, ठीक। और अभिव्यंजना शब्द फिर व्यापक वस्तु क्या हो रहा है ना, उसकी अभिव्यंजना है। तो इसको पुनः पढ़ते हैं। प्रकृति ब्रह्म में संपृक्त है, प्रकृति के अपेक्षाकृत विकास के आधार पर अधिक विकसित। अधिक विकसित कौन है? व्यापक वस्तु, है ना। और कम विकसित मतलब जड़ और बाकी संसार की व्यंजना प्रसिद्ध है। अभिव्यंजना में गुणात्मक विकास का संकेत, व्यंजना में उपयोगिता का संकेत है। तो जो अधिक विकसित का संकेत को ग्रहण कर रहे हैं उसको अभिव्यंजना कह रहे हैं। इसीलिए उपयोगिता लिखा है जड़ का, क्योंकि जड़ को समझ के फाइनली क्या करेंगे, उसकी अनुभूति तो नहीं होगी, उसका उपयोग ही करेंगे। यहाँ पर अधिक विकसित मतलब व्यापक वस्तु, अंततः वही है। अभिप्राय सहित व्यंजन, अभिप्राय का मतलब क्या है? अभी देखे परिपेक्ष मतलब क्या हुआ? अभिप्राय का मतलब क्या है हिंदी में? आप लोग तो हिंदी भाषी है, मैं आशय के साथ किया हुआ व्यंजना, इंटेंशन क्या है आपका ना उस व्यंजना को करने के लिए, उसका भी व्यंजना कह रहे हैं भैया। ये अपूर्णता ही माया है, थोड़ा सा उसको बता देंगे, उसके ऊपर वाले पैराग्राफ, सृष्टि में पाए जाने वाले, सृष्टि में पाए जाने वाले तिरोभाव, भाव अभाव, परिणाम परिपाक संबंध, ज्ञान योग्य क्षमता की अपूर्णता ही माया है। माया को यहाँ परिभाषित कर रहे हैं। देखिए वेदांत दर्शन में माया की चर्चा है बहुत, पर्टिकुलरली अद्वैत मोक्ष की माया है क्या। तो माया को मैंने एक फैक्टर माना गया है, अवस्तु भी है लेकिन है भी। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अक्षमता है हमारी वही माया है। तो सृष्टि में पाए जाने वाले तिरोभाव, तिरोभाव का मतलब जो दिखता नहीं है, है ना। भाव और तिरोभाव, घटित होना मतलब विघटित होना, भाव होना अभाव, है ना, नहीं होना मतलब कोई वस्तु नहीं है, है या है लेकिन पूरा दिख नहीं रहा है, तीनों कंडीशन ना, तिरोभाव भाव अभाव परिणाम, है ना, गठन पूर्णता एक परिणाम है। परिपाक संबंध, ज्ञान योग्य क्षमता योग्यता पात्रता की अपूर्णता ही माया है, मतलब भ्रमित स्थिति को ही माया कह रहे हैं। माया अलग से कोई फैकल्टी नहीं है। अद्वैत का जो व्याख्या हमको मिलता है ना, उसमें ऐसी बात आती है कि माया एक फैक्टर है जो आके ढक रहा है। तो बातों बातों में ऐसे हो गई है ना, अभी रूट टेक्स्ट में क्या लिखा, उनका आशय क्या था, वो सब में गए बिना यदि हम उसको सोचें तो ऐसा आ जाता है कि माया कोई फैक्टर है जिसके कारण सच्चाई, बताए ना, आत्मा पहले से जागृत है और माया का परछाई उसको ढक रहा है। तो ज्ञान का मतलब क्या है? उस जो ढके हुए चीज को निकालना, ढके हुए चीज को निकालना, क्या चीज ढक रहा है? यदि हम अपने अभी जीवन क्रिया के अर्थ में तो सोचने जाएंगे तो आस्वादन सच्चाई को ढक रहा है, संबंध को आस्वादन देख, मतलब आस्वादन के कारण मैं संबंध को देख नहीं पा रहा हूं, है ना। किसी के घर जाता हूँ खाने के लिए, खाना रखा है और उनके परोसने के पहले मैं निकाल के परोसना शुरू कर देता हूँ तो क्या हो गया? वो जो भाव से मुझे बुलाया है वो संबंध उसके लिए वेट नहीं कर रहा हूँ, मेरा ध्यान खाने पे चले गया, ठीक है। या कुछ व्यंजन रखा है बाकी लोगों के लिए है कि नहीं है, मैंने देख रहा हूँ पूरा खा लिया, अच्छा आपके लिए नहीं बचा, सो सॉरी मैंने ध्यान ही नहीं दिया, है ना, मैं खा गया पूरा या आधा खा गया। ये क्या है? मन जो है किसी सच्चाई को, संबंध को ढक रहा है।
वैसे ही विचार भी किसी चीज को ढकता है ना। जैसे आपके साथ कुछ काम करनी है या परिवार के लिए कोई निर्णय लेना है, तो निर्णय लेते समय यदि प्रिय दृष्टि कार्यरत है तो सम्मान का मूल आशय उसमें ढक जाता है, ठीक, तो वह व्यवहार को फिर बाधित कर देता है। वैसे ही चित्रण, तो मैं गलत चित्रण कर लेता हूँ कि ये जागृति है, अनुभव का मतलब यह है, ये अध्ययन है, या मुझे अनुभव हो गया है ना, अनुभव के पहले अनुभव हो गया मुझे, ये भी एक गलत चित्रण हो गया। तो परंपरा में फॉर्मूला क्या दिया जागृति के लिए, क्योंकि आत्मा तो जागृत है, आपको याद है फर्स्ट डे मैंने रखा था उसको, इसलिए इन बातों को हमने पहले दिन ही कर लिया था, याद है। तो फिर ज्ञान होने की फॉर्मूला क्या है भाई, आत्मा पहले से सूर्य की रोशनी जैसे रोशनी को डाल रहा है, ठीक, इसमें जीव में। तो साधना क्या हो गया, ये जो माया है इसको हटाओ, ठीक, माया को कैसे हटाओगे, बंदी कर दो उसको, निपटा दो, मन को निपटा दो, वृत्ति को निपटा दो, चित्त को निपटा दो। जब निपट जाता है पूरा, उस स्थिति का नाम है समाधि। उस समय बोलते हैं कि वो ज्ञान पूरा प्रकट तुमको मिलेगा। तो श्रद्धे बाबा जी उस स्थिति तक पहुंचे और देखे कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ है मगर वो नहीं है जो बताया गया, कुछ नहीं है ये बताना बनेगा नहीं, ठीक है ना, कुछ है तो बहुत कुछ है लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसके बाद संयम करने से पता चलता है कि नहीं, बोध भी होना है और अनुभव होना है, आत्मा का प्रत्यावर्तन पूर्वक घटना। तो माया का कहानी देखेंगे तो इतना लंबा चौड़ा है परंपरागत। इसमें क्या बोल रहे हैं कि माया कोई अलग फैकल्टी नहीं है जो आके जीवन में गुचुर पुटर कर रहा है, वो स्वयं ही भ्रमित रहता है। क्यों भ्रमित रहता है, क्योंकि उसके जागृति का क्रम है। ये समझ में आता है, दोनों में दूरी, माया परंपरा में जो माया बताया गया और यहाँ पर जो माया, यहाँ पर अलग बताया, हाँ वो अलग बताया है, ये आपको क्लियर होता है ना, नहीं होता है, माया मतलब भ्रम को बोले थे, भ्रम को माया बोले थे, वही भगवान, कोई एक चीज नहीं है ना। विवेकानंद ने कुछ बोला, चिन्मयानंद ने दूसरा बोला, गंभीरानंद ने तीसरा बोला, चतुरानंद ने चौथा बोला, कोई एक स्थिर व्याख्या मिलती नहीं हमको। द्रव्य रूप में उनको पता ही होगा भैया कि ऐसा आत्मा है करके, तभी तो उसको ढका है ऐसा विचार आता है। जैसे उस दिन भी आप बताए थे कि वो द्रव्य रूप में क्या है वो पता नहीं चला था, तो द्रव्य रूप में कुछ होगा तभी तो वो पता चलेगा ना कि उसको कुछ ढक रखा है। उन्हीं को पूछना पड़ेगा, आप और मैं अछूटी में बात करके मतलब क्या है, ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, उसने क्या देखा उसके बारे में मैं और आप कैसा बात करेंगे, बोलो। किसी ने कुछ देखा मान लेते हैं, देखा होगा, ठीक है, वो क्या देखा है, किस आशय से क्या लिखा है, हम जो समझना चाह रहे हैं वहां तक तो नहीं ले जा रहा ना हमको, वो जो भी बताया उसका परिणाम संसार में है नहीं। एक चिंता हरण हनुमान मंदिर दिखता है इधर, आप देखें संकट मोचन हनुमान मंदिर इधर, ये अग्रसेन चौक से चौबे कॉलोनी आते समय, उसमें भी आप जाओ यही बोलेंगे, उसके बाद हनुमान जी के सामने घंटी बजाएगा कि इससे संकट मुक्ति हो जाएगा, अब क्या करोगे इसका। ये जो आप बता रहे विवेकानंद का पुस्तक उसी मंदिर में रखा रहता है, ठीक है ना, वो माया को हटाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहा, हनुमान जी के सामने सब घंटी बजा रहे हैं। तो कोई परंपरा की कोई चीज आइसोलेशन में नहीं है ना, उसके साथ बहुत सारा उसका एक पैकेट है। अभी क्योंकि इस दर्शन में हमको कुछ स्पष्टता मिलती है तो हम उन लाइन को चुन रहे हैं जो यहां से मैच हो रहा है, उसके साथ जो गुच्छा है वो नहीं आ रहा है। एक दूसरा, आत्मा बुद्धि चित्त वृत्ति तथा मन से अविभाज्य है, ये स्पष्ट नहीं होता है। अभी आप जितने धर्म प्रचारक हैं, जितने मतलब कुछ है ना, हजारों हैं भारत में और हजारों जगह हैं जहां वेदांत को पढ़ाया जाता है, ये सबको जड़ मानते हैं, सूक्ष्म शरीर को, मन वृत्ति चित्त को या मन बुद्धि अहंकार को जड़ मानते हैं, बोलते ब्रेन का भाग है, ठीक है ना। तो पहले हम इस दर्शन को ठीक से स्थिर करेंगे, उसके बाद तुलनात्मक अध्ययन में जाएंगे, ठीक।
वहां जो लिखा है क्या इसी चीज को लिखा, भगवान जाने जो लिखा उसको पूछना पड़ेगा, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं जैसे विवेकानंद, विवेकानंद ने तो नहीं देखा कि क्या उन्होंने लिखा कहीं कि मैंने देखा कि आत्मा ऐसा है, नहीं, वो भी किन्हीं का पढ़ के सुन के लिख रहे हैं मेरे अनुसार है। बात समझ में आती है ना, हमारा उसमें अधिकार नहीं बनता है क्योंकि जिस व्यक्ति को पढ़ रहे हैं हम वो स्वयं भी नहीं देखा है, आप समझ रहे हैं, आपने भी नहीं देखा, उन्होंने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, आप क्या बात करेंगे उस पे? कल्पना है, उन्होंने बहुत अच्छा कल्पना दिया, उसके कल्पना पे आपने कल्पना दी, उस पे मैंने एक जोड़ दिया अपनी, समझ में आता है, कालिदास विद्या है, इसी का नाम है कालिदास विद्या। हाँ, तुलनात्मक अध्ययन सैद्धांतिक रूप से होना चाहिए एक दर्शन का दूसरे दर्शन के साथ, वो उपयोगी है, बट उसके लिए किसी एक दर्शन में पूर्ण अधिकार होना पड़ेगा, फिर उस दर्शन में पूर्ण अधिकारी किसी व्यक्ति से बात करना पड़ेगा। अभी हम YouTube में वीडियो देख के दर्शन समझना चाहते, वो तो होता नहीं, YouTube में जो होता है आदमी कुछ भी अपलोड कर देता है। अभी लोगों का जब बहुत सारा जानकारी YouTube से आ रहा है या WhatsApp फॉरवर्ड से आ रहा है, उसको कोई स्थायित्व नहीं है। आगे 29 हो गया, 39 में और कुछ? ये अगर जागृति होगी तो फिर जो वैविध्यता है वो समाप्त हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, नहीं तो जागृति नहीं है, नहीं है, उसके पहले विविधता महसूस हो रही तो वो ऐसनाएं पूरी खत्म, उधर भी जाके सिर्फ लोकेशन आ रहेगा। 39 में और कुछ? 38 39। स्वप्न अवस्था लिखा है, उसके बाद अनिश्चित कल्पना को ब्रैकेट में डाल दीजिए, ब्रैकेट मिसिंग है उसमें। सेकंड पैराग्राफ एक्सप्लेन कर देंगे 40 में, सेकंड संपूर्ण प्रकृति ये वाला। अच्छा, इन्वर्टर है इस रूम में। संपूर्ण प्रकृति ब्रह्म में अनुप्राणित होना रहना पाई जाती है, मतलब संपृक्त है, अनुप्राणित मतलब ऊर्जित है। अस्तु इसकी अनुभूति योग्य क्षमता योग्यता पात्रता से संपन्न होने तक आनंद की निरंतरता नहीं है। ठीक, क्यों आनंद की निरंतरता नहीं है? क्योंकि आनंद संपूर्णता को जानने का परिणाम है ना, और संपूर्णता क्या है कि प्रकृति ब्रह्म में ऊर्जित है, तो इस बात को अनुभव किए बिना आनंद की निरंतरता नहीं है। उसके लिए मानवतापूर्ण व्यवहार का अनुकरण अनुसरण तथा अति मानवता योग्य अभ्यास ही एकमात्र उपाय है। इसके लिए मानवतापूर्ण व्यवहार का अनुकरण अनुसरण मतलब हम 0 से 1A तक का पहला अभ्यास करें। याद है टेबल, मुझे तो रटा हुआ है टेबल, आप चाहे तो नोट, 0 to 1A का पहला अभ्यास करें, 1A से 2A और 3 में जाने के योग्यता को अर्जन करें। ठीक, इससे अनुभूति होगी, अनुभव में मानवता तथा अति मानवता का ज्ञान समाया रहता है, फिर उसको 1B में मानवता का प्रमाण, 2B में देव मानवता का प्रमाण, 3B में दिव्य मानवता का प्रमाण होगा। भैया उसी के नीचे पैराग्राफ संवेदन क्रिया। संवेदन क्रिया ही क्रिया के साथ आस्वादन सानिध्य और संघर्ष की स्थिति में है। संवेदन क्रिया मतलब क्या है? आशा विचार इच्छा तथा 5 संवेदना पूर्वक दूसरी क्रिया जड़ के साथ आस्वादन है ना, चैतन्य का सानिध्य, वो कल उदाहरण दिया था, जड़ का आस्वादन और चैतन्य का सानिध्य मिलता है ना, जड़ को खाते हैं सूंघते हैं, एक आदमी से व्यवहार करते तो सूंघते नहीं है उसको, वो
सानिध्य रहता है ना, मैं आपको समझना चाहता हूँ तो सूंघूं, ये कोई मतलब बनता नहीं, तो सानिध्य बनता है, ठीक है। और संघर्ष, मनुष्य के साथ संघर्ष भी बनता है, सानिध्य भी बनता है। आस्वादन की क्षण भंगुरता, सानिध्य में प्रेरणा, मतलब जिस सन्निधि में हम होना चाहते हैं, है ना, सन्निधि का मतलब उपस्थिति में होना चाहते हैं, तथा मनुष्य के साथ संघर्ष की असहनीयता प्रसिद्ध है, वेल नोन, प्रसिद्ध है मतलब फेमस है, वेल नोन। भैया ये आस्वादन है ये जड़ के लिए होता है, लेकिन मूल्य मूलक जैसे जीते हैं किसी संबंधों के लिए, उसी को सानिध्य कह रहे हैं। यहाँ पर आस्वादन का मतलब रुचि मूलक, सानिध्य मतलब मूल्य मूलक आस्वादन, संघर्ष का मतलब वो मूल्य मूलक आस्वादन के जगह द्वेष हो गया। सानिध्यानुभूति, सानिध्यानुभूति जीवन में देखिए, मन में जैसे मूल्यों का अनुभव तो होगा ना, हम संबंधों को पहचानेंगे, मूल्यों का निर्वाह करेंगे, यही सानिध्यानुभूति, सानिध्यानुभूति है। मतलब मानव संबंधों को पहचान कर मनुष्य के साथ जीने की जो तृप्ति है वो एक अनुभूति के रूप में है। जैसे आप अपने घर में जाते हो, किसी मित्र के साथ रहते हो, एक दिन रहते हो, दो दिन रहते हो, कई वर्ष रहते हो, उसका एक अनुभव होता है, ये सानिध्यानुभूति है ना। अभी वो भास के रूप में होता, आभास के रूप में होता है, या एक छोटे बच्चे के साथ हम रहते हैं उसका एक अनुभव होता है, ये सब सानिध्यानुभूति है। तो सानिध्यानुभूति की पूर्णता पर्यंत सतर्कता क्रियाशील रहता है, उसको फिर सतर्कता कह रहे हैं, अनुभव को सजगता कह रहे हैं, अनुभूति ही सजगता है जिसकी निरंतरता है। दूसरे भाषा में अनुभव के पहले सजगता नहीं है, मात्र सतर्कता रहता है, फिर सजगता रहता है, उसके बाद उनका प्रमाण होता है। वृत्ति उच्च स्तर पर हो रहा है, नहीं माइक में बोली, और किसी को सुनाई नहीं दिया। सानिध्यानुभूति वृत्ति और चित्त के स्तर पर हो रहा है, और उबर जब मन भी रहेगा उसमें, हाँ मन भी रहेगा, मन भी रहेगा, वृत्ति भी होगा, चित्त तक होगा, चित्त भी होगा, ऊपर चला गया तो फिर अनुभूति और सजगता आ गई ना उधर, उसी की निरंतरता, आत्मा के प्रत्यावर्तन को सजगता कह रहे हैं, वो फिर व्यापक वस्तु का अनुभूति। तो एक हो गया सानिध्यानुभूति, दूसरा हो गया भ्रमानुभूति। तो अनुभव अनुभूति ही सजगता में आप लिख सकते हैं, भ्रमानुभूति ही सजगता है। तो लाइन को फिर से पढ़ेंगे, तो सानिध्यानुभूति पर्यंत सतर्कता क्रियाशील है, भ्रमानुभूति ही सजगता है जिसकी निरंतरता है। तो व्यापक वस्तु का अनुभव से ही निरंतरता हो पा रहा है, उसके पहले सानिध्यानुभूति है। जैसे यहाँ 10 आदमी रहता है इस परिसर में, इसके पहले मान लो मैं पुणे में था, ये रायपुर में था, बरगढ़ में था, और कहीं कहीं था, तो वहां लोगों के साथ उठना बैठना और यहाँ लोगों के साथ उठना बैठना में एक अंतर दिखता है ना, जो भी जितना भी हो थोड़ा मोड़ा, ये सब उसी में आएगा, सानिध्यानुभूति की श्रेणी में ही आएगा। उसके नीचे का और नीचे का अभाव का उसका पूरा पैराग्राफ, अभाव, रोग, सशंकता एवं संदिग्धात्मक स्थितियां, अविवेक, अत्याशा, आलस्य, प्रमाद सहित संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान और भयात्मक मूल प्रवृत्तियां सभी क्लेशों का कारण है, जिनका निराकरण इन विधियों से है। मैं क्या क्लियर नहीं है? क्लेश का मतलब जो भी पीड़ा होती है, इसका कारण क्या है? अभाव है ना, मुझे खाने को चाहिए नहीं है, मैं खेती करना चाहता हूँ, मेरे पास जमीन नहीं, मुझे घर बनाना है, पैसा नहीं है, घर बनाने जाता हूँ सीमेंट खत्म हो जा रहा है, सब अभाव। रोग, शरीर में कुछ रोग हो गया, इससे भी हमको पीड़ा होती है। सशंकता, संशक्ता दिखा है, इसमें जो दिया है क्या, विकासानुकूल में प्रवृत्ति है तो आपतों का उपदेश, नहीं नहीं कहाँ चले गए, उसी उसी वाली लाइन में जो आप बोल, उसी के नीचे लाइन है। हाँ, विकासानुकूल
में प्रवृत्ति है तो आप लोगों को उपदेश यही, इसके उल्टा में अभाव के जगह समृद्धि, रोग के जगह स्वास्थ्य, सशंकता के जगह विश्वास, संदिग्धात्मक स्थिति के जगह पर विश्वास, अविवेक के जगह विवेक, अत्याशा के जगह अर्थतापूर्ण आशा। अत्याशा, हमारी औकात कितना पता नहीं है, अति आशा कर रहे हैं, मैं यूपीएससी निकाल लूंगा, जेई निकाल लूंगा, मैं फर्स्ट हो जाऊंगा, तो पीड़ा तो होना ही है। हमारी औकात क्या है, हमारी तैयारी कितना है, उसके लिए क्या योग्यता की आवश्यकता है, उतनी योग्यता मुझ में है भी नहीं कि नहीं, यदि नहीं है तो उसको अर्जित करना, ये सब आलस्य, यूपीएससी का तैयारी करना और ओढ़ के सो गया दिन में 5-5 घंटा है ना, आलस्य। ठीक, फिर प्रमाद, प्रमाद का मतलब मेंटल लेजीनेस, कोई वस्तु कोई कार्य करना हमको पता पता होते हुए भी हम नहीं कर रहे हैं, पता है कि सवेरे उठ के बच्चे का देखभाल करना, सो जाते हैं, है ना, अपने आप को वो नहीं कर पाते हैं। सहित संग्रह, संग्रह के जगह असंग्रह, द्वेष के जगह स्नेह, अविद्या के जगह विद्या, अभिमान के जगह सरलता, भय के जगह अभय, ये सत्कर्म कहलाएगा। इसमें प्रवृत्ति ही आप्तों का उपदेश है। आप्त कौन हो गए, जो जागृति पूर्ण हो गए, इनको आप्त लिखा है, आप्त पुरुष। वही अध्ययन में ये सारा पॉजिटिव को यदि हम प्रैक्टिस करेंगे, नेगेटिव का समीक्षा होता है। क्लेश व हर्ष कर्म परिपाकवश ही भासित होता है। क्लेश व हर्ष, अच्छा लगना बुरे लगना का भास कैसे होता है, कर्म के पकने से ही पता चलता है, कर्म परिपाकवश ही भासित होता है। भ्रमानुभूति योग्य अधिकार माना ही चित्त शुद्धि है, यही चैतन्य क्रिया का चिरंतन कार्यक्रम है, बहुत दिन से चलते आया हुआ कार्यक्रम है ना? ठीक है, है? फिर बोलिए, चित्त शुद्धि, हाँ, मतलब ये येला लाइन लिखा है वो आचरण पूर्णता के लिए लिखा है कि साक्षात्कार के लिखा है कि बोध के लिखा है? नहीं, चित्त शुद्धि तो पहले से ही चालू करना पड़ेगा, ये अंतिम चित्त शुद्धि की बात है। चित्त शुद्धि के साथ कौन सा साक्षात्कार होगा, चित्त शुद्धि के साथ तुलन भी नहीं होगा, चित्त शुद्धि के साथ हम पढ़ने के लिए भी नहीं बैठेंगे। अशुद्ध चित्त है तो अशुद्ध चित्त क्या है, मैं इधर आ गया, यहाँ अध्ययन के लिए बुलाया, मैं पूरे दिन यही सोचते रहता हूँ ये संस्था के पास कितना जमीन है, उसका रेट कितना होगा, कहाँ से अध्ययन होगा, है ना। मैं बाहर जाता हूँ बोलता कितना घटिया खाना खिला रहे हैं ना, खाना अच्छा नहीं है, ये रोटी सूखी है ना, फिर बोलते हम शिविर करने आते कोई पानी तक नाक नहीं देता यार, चाय के लिए भी हमको उठ के जाना पड़ता है, ये सब अशुद्ध चित्त है। अध्ययन विद्यन कुछ नहीं होगा, रोते हुए आएगा रोते हुए जाएगा। ठीक है ना भैया, तो उससे भी और अशुद्ध, यहाँ पर बैठे उसका फोन अच्छा लगा उठा के रख लिया पॉकेट में परधन कहाँ से आएगा, ये सब कुछ नहीं घुसेगा अंदर। तो साक्षात्कार के लिए एक लेवल का चित्त शुद्धि चाहिए ना, साक्षात्कार के लिए एक लेवल का लेवल का चित्त शुद्धि चाहिए, बोध के लिए और एक लेवल का, और अनुभव के लिए अंतिम चित्त शुद्धि, पूरा चित्त शुद्धि, चित्त पूर्ण शुद्धि, पूरा चित्त तो हर किसी में लगेगा, पूरा चित्त शुद्धि की जगह चित्त का पूर्ण शुद्धि। ब्रह्मानुभूति योग्य क्षमता प्राप्त करने के लिए चित्त शुद्धि। ज्ञान अवस्था, देखिए फिर हमको अपने आप को याद दिलाते रहना पड़ेगा स्मरण कि ये मनुष्य की अंतिम ज्ञान तथा अंतिम विकास का यहाँ पर मैक्सिमम जो एक आदमी प्राप्त कर सकता है, दिव्य डिवाइन, भगवान से भी ऊपर, देव तो भगवान हो गया, उसके भी ऊपर की स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ज्ञान अवस्था में सभी मानव का आद्यांत इष्ट ब्रह्मानुभूति ही है, आदि से अंत तक हमेशा हमेशा के लिए, अतएव मानव द्वारा मात्र उसी के अनुकूल व्यवसाय व्यवहार विचार विधि व्यवस्था अध्ययन शिक्षा प्रणाली विनिमय और उपयोग प्रणाली का प्रणयन एवं उन्नयन तथा पालन अनुसरण ही सर्व मंगलमय कार्यक्रम, पूरी दुनिया के लिए कार्यक्रम बता रहे हैं, यही लक्ष्य है। तो संविधान बनाओगे, रेलवे ट्रैक बनाओगे, है ना, वित्त व्यवस्था बनाओगे, शिक्षा की नीति बनाओगे, स्कूल बनाओगे, उसमें कंटेंट बनाओगे, डेवलपमेंट करोगे, कंटेंट डेवलपमेंट, सारी चीजों के लिए आदि से अंत तक इस लक्ष्य के अनुसार होना ही सभी के लिए मंगलमय कार्यक्रम है।
कौन लिख रहा है? आप तो पुरुष द्वारा वाक्य है। प्रणाली है, और प्रणाली और पद्धति में क्या अंतर होता है? प्रणाली और आप बताओ यार, आप मैं तो बोल दिया, मैं तो आठवीं फेल हूँ हिंदी में, सोचो। एक ही जैसे लगते हैं, बाकी लोगों से पूछते हैं, आप तो कम पढ़े हो दूसरों से। नहीं, परिभाषा में देखा तो उसमें भी पद्धति आया था प्रणाली के भीतर। बाकी लोग बताइए, जो लोग हिंदी में पढ़े हैं स्कूल में, इसका सामान्य अर्थ क्या है पद्धति और प्रणाली में? हैं? पद्धति के लिए हमने वो बना ली, उसको चित्रित कर लिया, उसको क्रियान्वित करना प्रणाली, प्रोसीजर एंड एग्जीक्यूशन, ऐसा या थियोरेटिकल प्रोसीजर एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोसीजर, ऐसा बनेगा। ठीक है, प्रणयन मतलब उसमें प्राण देना, उसको ऊर्जित करना, उन्नयन उसको और उठाना, ऊपर करना, उन्नति की ओर ले जाना, प्रणयन एवं उन्नयन तथा पालन अनुसरण ही सर्व मंगलमय कार्यक्रम है। इकतालीस तक पूरा माने? आप जितने बिंदुओं पर पूछेंगे उतने पर हम चर्चा करेंगे, उसके अलावा मुझे यदि लगता है कोई मोटी चीज या कोई ध्यान आकर्षण करने लायक चीज एक पेज में स्कैन करके बता ही रहा हूं। सरल है मेरे अनुसार तो, सबसे इजी पुस्तक है ये। नहीं, एक तो बहुत पतली है, ऊपर से एक एक लाइन के बीच में एक एक गैप है, पढ़ने में भी आसान है, अभ्यास दर्शन जैसे नहीं लगता है कि बहुत वो है, क्राउडेड नहीं है, खुला खुला है, बीच बीच में ब्लैंक पेज है, दो चार ही उसमें वो है। ये अपने में मस्त है आज। इसमें दिया कि इस नीचे से चौथा पैराग्राफ ऊपर में नीचे से, स्थिति भास रहते हुए विश्लेषण अनुभव का अभाव ही ज्ञातव्यता। स्थिति भास रहते हुए भी विश्लेषण अनुभव का अभाव, सामने प्रकृति है, आदमी है, जीवन है, है ना, कुछ सोच विचार है, भाव है, ये सबका स्थिति का भास होते ही रहता है, लेकिन ये जो भास होता है उस पर हम सोच नहीं पाते, है ना, विश्लेषण की क्षमता का अभाव या उसको समझने का अभाव, अनुभव मतलब समझना। तो सारी चीजें सामने रखी हुई रहती है, व्यापक वस्तु है, सह अस्तित्व है ना, पुष्टि धर्म है, आशा धर्म है, सुख दशा सामने ही रखा है। जैसे जिस दिन से आप इस बात को पहली बार सुने, मान लो परिचय शिविर में, वहां से लेकर अभी तक आपको क्या लगता है कि आपकी स्पष्टता थोड़ी बड़ी है, थोड़ा पहले से अधिक दिखता है कि वैसे ही दिखता सब कुछ? चेंज हुआ है कि वैसे ही है, चेंजलेस है? कुछ तो चेंज हुआ है, जबकि जिन चीजों को आप देख रहे हो कुछ भी नहीं बदला है, वही पत्थर है, वही आदमी है, वही दुनिया है, वही भ्रष्टाचार है, उसको देखने की दृष्टि हमारे में परिवर्तित हो गई। क्या हो गया? विश्लेषण क्षमता विकसित हुआ। किससे? दर्शन के कारण, नहीं तो नहीं होता, हम भी पढ़े थे जड़ जैसा, तथा उसको समझने की क्षमता का अभाव का नहीं होना ही ज्ञातव्यता, मतलब ज्ञान होने में अपूर्णता, प्राप्तव्यता में अभावता, मतलब जड़ वस्तु का प्राप्तव्यता, मतलब एक मनुष्य यहां पर खेती करता है, दूसरा मनुष्य दूसरी जगह पर खेती करता है, एक ब्लाइंड कॉपी करता है, एक सीजन में आता है और बीज बो देता है, बारिश का वेट करता है, फिर काटता है,
बहुत सारे लोग ऐसे किसानी करते हैं अभी भी भारत में। दूसरा मनुष्य उसी धरती को देखता है, उसकी बायोडाइवर्सिटी को समझता है, पौधे को समझता है, समय को समझता है, है ना, किसी समय में डालता है, पानी को देखते हुए पानी का व्यवस्था करता है। तो स्थिति बास दोनों को है, ठीक। एक में प्राप्तव्यता की अभावता होगी, क्यों? क्योंकि वो नहीं समझा उस बात को, एक ने बुद्धि लगाया तो समझ पा रहा है, समझ के करता है तो उसको भाव मिलता है, मतलब वो वस्तु मिलते हैं। फल तब होतव्य था, होने में, फिर एक को लगता है कि पता नहीं यार खेती हो पाएगी कि नहीं, है ना, बारिश है, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, या एक ट्रांसफॉर्मर कैसे बनाना है मुझे नहीं पता। मैं बीच बीच में ट्रांसफॉर्मर इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि मानवीय व्यवस्था में भी ट्रांसफॉर्मर लगेगा। हमको लगता है केवल हम गाजर उगाएंगे, ऐसा नहीं है, वो भी एक उत्पादन है। इधर रायपुर में हमारे पहचान की एक दीदी रहती है, उनके हस्बैंड ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में स्टेप डाउन करता है, कुछ ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप होता है। हम लोग इंजीनियरिंग में डिजाइन करते थे ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ये एक क्लियर हुआ। प्रस्थापन एवं विस्थापन प्रक्रिया ही रासायनिक एवं भौतिक बहुत सामान्य है। परमाणु में प्रस्थापन होता है, विस्थापन होता है, इसी से पूरा रासायनिक भौतिक परिणाम है। नहीं, वो भूखा और अजीर्ण के संदर्भ में थोड़ा जानने चाह रहा था, कैसे परमाणु में विस्थापन, कितने अंशों की संख्या अधिकतम होगी फिर वो प्रस्थापन होगा, उस संदर्भ में देखने का प्रयास कर रहा था। नहीं, वो तो देखिए दर्शन में तो बाबा जी 99 का एक सहस्त्रवादि विज्ञान का रिकॉर्डिंग है, बाद में आप लोग सुन लेना या पढ़ लेना, उसमें तो बोलते हैं कि 200 से अधिक भी हो सकता है उनके अनुसार, है ना, विज्ञान के अनुसार वो नंबर दूसरा है। जो एक एक परिवेश में जितने अंशों की संख्या है वो 2^(n+1) के फॉर्मूला सा है, वो बाबा जी जो बोलते हैं और जो अभी फिजिक्स में बोलते हैं दोनों एक ही है। वैज्ञानिक अवधारणा भी मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है कि मैक्सिमम कितना परमिसेबल है, ठीक है, किसी को याद होगा तो बोल सकते हैं कितना परमिसेबल है। जब भी 8th या 10th 12th पढ़े आपको याद होगा, उसी पोर्शन में आता है सब, हमको तो पढ़े 200 वर्ष हो गया। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं एक उसमें एटम में परमिसेबल, ठीक है, ढूंढ लेना, वो सब फोन पे तो आ ही गया, सब फोन पे ढूंढने से कहीं से ला के देता है वो, कोई जानकार ज्ञानी व्यक्ति कहीं लिख के रखा रहता है उसको हम पढ़ लेते हैं, तो पढ़ के देख लेना, ठीक है ना। मैक्सिमम भैया इसमें एक और क्वेश्चन है, जो प्रस्थापन विस्थापन हो रहा है परमाणु अंश में, वो कौन सी बात कर रहे हैं, परिवेश की कि मध्यांश की, एक समझ नहीं आता। परिवेश का, तो भैया परिवेश में मतलब परिवेश में ऐसा विज्ञान की दृष्टि देखे तो ऐसा नहीं लगता कि भूखा है अजीर्ण है, जैसे सोडियम हो गया, सोडियम तो ऐसा लगता है कि अजीर्ण टाइप कर रहे हैं, और मध्यांश का अगर कम ज्यादा हो तो ऐसा लगता है कि वो भूखा जैसा है। वो कंफ्यूजन होता है कि मध्यांश का प्रस्थापन विस्थापन की बात कर रहे हैं कि परिवेशीय अंश का प्रस्थापन विस्थापन का बात कर रहे हैं, मतलब मध्यांश में 10 अंश होगा, 20 अंश होगा, उसमें अंश बाहर जाएगा कम जाएगा, ऐसा है कि परिवेशीय अंश में जो 20-30 जितना भी है वो बाहर जाएगा, 1 अंश 2 अंश या फिर अंदर आएगा, ऐसा है भैया। ये कंफ्यूजन उसी से है कि जो 60 के बाद जो आता है उसमें रेडियो एक्टिव हो जाता है, ऐसा बोलते हैं कि अजीर्ण परमाणु में ज्यादा वो रहते हैं, मतलब विकिरण वाला प्रभाव रहता है, तो सोडियम में वो नहीं दिखता, इसलिए कंफ्यूजन हम लोग बीच में कर्म दर्शन के अजीर्ण परमाणु देता है ऐसा बोलते हैं, लेकिन सोडियम तो वो भूखा परमाणु, क्योंकि उसका वो कोष भी पूरा नहीं हुआ है, चार परिवेश पूरा नहीं हुआ है, फिर भी वो इलेक्ट्रॉन देने का कोशिश करता है। तो नहीं, अजीर्ण और भूखे को देखिए इस अर्थ में भी देखा जा सकता है कि उसकी स्टेबिलिटी के लिए जितनी, यदि वो देने वाले जगह पर है, यदि उसके स्टेबल स्टेट एनर्जी स्टेट को स्टेबल करने के लिए देने वाली उसमें प्रवृत्ति बनी है तो उसको अजीर्ण कहेंगे, और यदि लेने वाली प्रवृत्ति तो उसको भूखा कहेंगे, ये उसका परिभाषा है। तो इसमें क्या कन्फ्यूजन है अभी? ये जो
तो जो उसका बिहेवियर है उसके अनुसार उसका परिभाषा है अजीर्ण या भूखा। आपके रीजनिंग में क्या हो रहा है, आप अजीर्णता और भूखे को फिक्स कर दे रहे हो किसी नंबर में, उसके तुलना में फिर एलिमेंट को देखने जा रहे हो, उल्टा करो। नहीं मतलब भूखा मतलब जिसका चार परिवेश से कम हुआ, चार परिवेश पूरा नहीं हुआ है, और जिसका अजीर्ण मतलब जिसका चार परिवेश से ज्यादा हो गया है, ऐसा मतलब पढ़े मतलब कहाँ पढ़े बताए हैं ऐसे है ना। अभी आगे आएगा, अभी नेक्स्ट पुस्तक कौन सा है? सज्जनवाद, उसके बाद भौतिकवाद एक बुक आएगा, उसमें दो तीन दिन इसी में लगाना क्योंकि लिखा भी है उसमें। इसके साथ एक सहस्त्रवादी विज्ञान बोल के एक बाबा जी के साथ 99 की एक रिकॉर्डिंग है, उसको आप सुनिए, ठीक है ना। हालांकि भौतिकवाद में अजीर्ण और भूखे की बहुत विशुद्ध चर्चा नहीं है, आएगा थोड़ा सा, बट कम से कम उस संदर्भ में आगे पीछे का भी संदर्भ मिलेगा। क्योंकि अभी तक आपके जो पुस्तक आपको जो पुस्तक पढ़ा गया उसमें ये चर्चा कहीं नहीं है, कर्म दर्शन भाग टू में भी नहीं है, व्यवहार दर्शन में तो नहीं है। गठन पूर्ण में चार परिवेश है, तो चार परिवेश में स्थिरता होना है उसका ज्यादा, मतलब जैसे किसी में दो परिवेश रहता है, तीन परिवेश रहता है, चौथा परिवेश होता ही नहीं है, तो वो भूखा है, और जिसमें ज्यादा परिवेश है वो अजीर्ण है, ऐसा लॉजिक भी था। ठीक, चलिए आगे। भैया 43 में यही नीचे से तीसरा मैं हूँ का प्रकटन वाला पैराग्राफ क्या, मैं हूँ का प्रकटन वाला, ये 43 में नीचे मैं हूँ का प्रकटन ज्ञान अवस्था में विचार पूर्वक व्यवहार व विहार के रूप में, मानव में ही मैं हूँ का भाव रहता है, पशुओं में मैं का भाव नहीं रहता, एक महत्वपूर्ण चीज है ना। ये जो भाव है बुद्धि की सक्रियता के कारण होता है मानव में, विज्ञान में कोष का जो सक्रियता है उसके कारण मैं हूं का भाव मानव में रहता है, पशुओं में मैं हूं का होता नहीं। होने का प्रकटन जीव अवस्था में आशा पूर्वक विहार के रूप में, तो देखिए जीव अवस्था में व्यवहार नहीं है, जो भी व्यवहार है वो संवेदनशीलता के सीमा में है, जैसे कॉम्प्लेक्स कल भी बोल रहा था, जैसे हाथी होता है, हाथी की जो सोशल स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी कॉम्प्लेक्स है, परंतु वो व्यवहार नहीं कहलाएगा। संबंध जैसे भास रहा है, लग रहा है, पर वैसा संबंध नहीं है। कुछ पक्षियां हैं जो एक ही बार एक मेट चुनती है और आयु भर उसी के साथ रहती है, जैसे मनुष्य के साथ एक खासियत है, एक बार मेल फीमेल का बॉन्डिंग हो गया तो ये अपेक्षा रहती है कि दोनों बने रहे, उस टूटने को अच्छा नहीं मानते, मृत्यु के कारण टूट गया तो शोक मनाते हैं, या नहीं तो उसके लिए एक लीगल प्रोसीजर है ना, वहां की संविधान को अलाउ करना पड़ेगा। आप दोनों ने शादी कर ली अपने मन से, एक दूसरे को अपने मन से छोड़ नहीं सकते, वो संविधान को अलाउ करना पड़ेगा, उसके लिए नियम कानून है। फिर छोड़ने के पहले आप सीधा कोर्ट नहीं जा सकते, उसका एक समय है, पहले 6 महीना साल भर जो है गवर्नमेंट काउंसलर मिलता है ना, वो दोनों को मनवाने का प्रयत्न करते हैं, वो यदि नहीं मानता है तो कोर्ट जाता है, फिर कोर्ट में सुनवाई होती है, उसके लिए सफिशिएंट ग्राउंड्स चाहिए। यदि दोनों सहमत हैं तो कोर्ट कभी अलाउ करेगी, एक सहमत है एक नहीं है तो उसको कंटेस्ट करते हैं, बहुत लंबी प्रोसीजर है। शादी एक सेकंड में हो जाता है, छोड़ने के लिए 4-5 साल का पसीना निकालना पड़ता है। ठीक, वही तो गवर्नमेंट काउंसलर लगाते हैं ना, हमारे पहचान के एक है, उनका ऐसा हो गया था, वो बॉम्बे में सरकारी काउंसलर ने कन्विंस कर दिया लड़के को, वो कन्विंस हो गया, उसका मूड बदल गया। कभी कभी सरकार भी काम करती है और भी अजीब विधि से काम करती है, जो सरकार घर में पानी नहीं पहुंचा पाती है ठीक से, लोगों की शादियां जोड़ देती है ना, कितना कठिन है शादी जोड़ना। तो कुल मिलाकर जीवों में भले ही इस प्रकार की चीज दिखती है लेकिन उसको व्यवहार नहीं कह रहे हैं। इसका बैटरी जा रहा है शायद। ठीक, मनुष्य में व्यवहार भी है तथा मैं हूं का आ गया, मैं हूं का भी भाव बना रहता है। प्राण अवस्था में होने का भी प्रकटन आशा पूर्वक तो नहीं है, रचना पूर्वक आस्वादन के रूप में, तो प्राण अवस्था में आस्वादन हो रहा है, मतलब मन नहीं है उसमें, आस्वादन करने का भाव नहीं है। आस्वादन का मतलब क्या हो गया, इसको आपने
थोड़ा सा मानव व्यवहार दर्शन में थोड़ा अध्ययन किया होगा, इसको मनोमय कोश नाम दिया है। बहुत सारी चीजें होने से कोई एक चीज को सेलेक्ट कर पाता है ना। जैसे पौधा है तो मिट्टी में होता है, तो फास्फोरस भी होता है, पानी भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, नमक भी होता है, और भी तत्व होते हैं। उसमें से उस पौधे को जिस चीज की आवश्यकता उतने को वो चयन कर लेता, बाकी चीजों को छोड़ देता है। उसी को आस्वादन कह रहे हैं भैया, उसी को आस्वादन कह रहे हैं, उस प्रक्रिया को यहाँ पर आस्वादन कह रहे हैं। ये मन के आस्वादन से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, उस प्रक्रिया को फिर आस्वादन कह रहे हैं। पदार्थ अवस्था में गठन पूर्वक गति के रूप में दृष्ट हुए हैं, पदार्थ अवस्था में गठन के अनुसार गति तथा उसका बॉन्डिंग है, उसमें सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, चॉइस नहीं है उसमें। भैया सबसे लास्ट का पैराग्राफ सत्ता में है? सबसे लास्ट का पैराग्राफ सत्ता में प्रकृति दृश्यात्मक अस्तित्व के रूप में है ना, मिट्टी पत्थर मणि धातु ये सब दृश्य है, और सत्तात्मक अस्तित्व पूर्ण है, व्यापक वस्तु पूर्ण है। तो व्यापक वस्तु में ही प्रकृति दृश्य के रूप में मानव के रूप में है ना, और व्यापक वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए उसको अस्तित्व पूर्ण कहा। एकदम शुरुआती प्रारंभिक क्रम में हमने इसको देखा था, पूर्ण का खंडन विखंडन नहीं है ना, पूरे को टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते, व्यापक वस्तु का टुकड़ा नहीं होता। यदि खंडन विखंडन है तो वह पूर्ण नहीं है, उल्टा पूर्ण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि खंड विखंडन होता नहीं। खंड की सीमा परिणाम दिशा और क्रिया है, ठीक। तो जो खंडित होता है मतलब प्रकृति, क्रिया का परिणाम भी होता है, उसकी दिशा भी होती है, ठीक है। बहुत लंबा पैराग्राफ है, बाकी भी पढ़ना है क्या? उसमें ये दिया सम्यक प्रकार से ख्यात होना ही संख्या है, सेकंड लाइन। सही ढंग से समझ में आना ही संख्या है, एक दो तीन चार हम गिनते हैं ना, वो सही ढंग से कितने शानदार परिभाषा है, सम्यक प्रकार से ख्यात होना ही संख्या है, सही ढंग से। हाँ, ये एक है, दो नहीं दिखता है, सही ढंग से ख्यात होता है एक। वही गणितीय विधि से चले जाते हैं तो बच्चे मैथमेटिक्स में गलती करते हैं। ठीक है, और उसमें जो लास्ट लाइन दिया उसी के नीचे उसी में उसी पैराग्राफ में पूर्णानुभूति ही कायित्व का विश्लेषण है। नहीं, किधर है? उस जो पैराग्राफ पढ़ रहे थे ना उसी में सेकंड लास्ट लाइन, सम्यक प्रकार से ख्यात होना ही संख्या है, अपूर्णता ही सीमा, सीमा ही कायित्व, कायित्व ही संख्या, संख्या ही अस्तित्वशीलता, अस्तित्वशीलता ही क्रिया, क्रिया ही परिणाम, परिणाम ही सापेक्षता, सापेक्षता ही विकास एवं ह्रास, विकास ही गठन पूर्णता, गठन पूर्णता ही अमरत्व, क्रिया पूर्णता व आचरण पूर्णता ही सतर्कता व सजगता, सतर्कता व सजगता ही दर्शन क्षमता, दर्शन क्षमता ही पूर्णानुभूति, और पूर्णानुभूति ही इकायत्व का विश्लेषण। तो पूर्ण अनुभव के बाद ही इकाई का विश्लेषण पूरा होता है, उसके पहले भी इकाई तत्व का विश्लेषण करते ही हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि देखिए ये इसलिए नहीं, वो भी विश्लेषण ही है, विश्लेषण का शुरुआत है। तो भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति, तो भास ये हमको ठीक से ग्रहण करना चाहिए या सोच लेना चाहिए कि भास भी सच्चाई का ही होता है ना। जो सही भास होता है या जिसको हम सत्य भास कहेंगे, जैसे सत्य भास होना, सत्य आभास होना, उसी सत्य का आगे जाके अनुभव होता है, अलग नहीं होता है, वही वस्तु है, वही वास्तविकता है, जो क्रम से हमको अधिक स्पष्ट होते जाता है। इसीलिए पहले जो विश्लेषण हुआ उसमें जो त्रुटियां हैं वो अनुभव पूर्वक विश्लेषण में समाप्त हो जाती है, ठीक है। इसीलिए इकाई तो ही विश्लेषण। उसके नीचे भी अस्तित्व पूर्ण, उसके नीचे वाले में जो दिया है सत्याभ्यास, आभास, प्रतीति और अनुभव दिया है। बहुत बढ़िया परिभाषा है, इसको थोड़ा सा। अस्तित्व पूर्ण सत्ता में प्रकृति की स्वीकृति सत्याभास, अस्तित्व की आंशिकता की स्पष्ट स्वीकृति आभास, अस्तित्व स्पष्टता तथा प्रयोजन सहित स्वीकृति बराबर प्रतीति, अस्तित्व संपूर्णता में से के लिए पूर्ण स्वीकृति उल्टो अनुभव। तो अस्तित्व पूर्ण सत्ता में प्रकृति की स्वीकृति,
ये सत्याभास का पूर्णता है। तो व्यापक वस्तु है, इकाई व्यापक में परिवर्तित नहीं होता, या इकाई को ही मैं देखता हूँ, इकाई का ही विश्लेषण होता है ना, इकाई को समझ रहा हूँ, ये सारा भास कहलाता है। सत्याभास लिखा है तो सत्य अभास की सत्यभास, सत्याभास का मतलब सत्यभास, सत्यभास भासी है वो पहला, सत्य का भास ऐसे भी पढ़ सकते हो। ये स्टूल इतना छोटा है, तो भगवान एक पैर जाता है एक पैर बाहर निकल जाता है, ये छत्तीसगढ़ी स्टूल है, इन लोगों का पैर नीचे अंदर आ जा रहा है और बाहर आ रहा है। एवरेज जो भारत का आदमी है उससे मेरा साइज बड़ा है, ये भी एक तकलीफ। ट्रेन में भी नहीं फिट होता हूँ, बस में भी फिट नहीं होता हूँ, कार में भी फिट होना मुश्किल है, साइकिल चलाता हूँ तो घुटना वो उस पर लगता है, हैंडल पे लगता है, जो दूध वाला साइकिल है मैं साइकिल करता हूँ तो मेरा घुटना वो हैंडल पे लगता है, तो साइकिल ही नहीं चला पाता, अलग से साइकिल खरीदना पड़ता है। वो जो दूध वाला साइकिल है एटलस गोल्ड लाइन हीरो मैं खरीदा एक, हाँ तो वो ऐसा है उसमें हमारा पैर लगता है उस पे। अभी वो मैं जिस रूम में हूं उधर छत में गया था कल या आज सवेरे थोड़ा धूप देखने के लिए, ऊपर से वो सर अपटाया उसके ऊपर, वो घर को जो बनवाए थे लोग वो पंजाबी थे, दिल्ली के रहने वाले एक भाटिया जी है ना, तो नीचे का सारा दरवाजे का साइज पंजाबी साइज का बना है, जो टेरेस में जाने वाला वो छत्तीसगढ़ी साइज का बना है, वो 5'6" का है, तो मुझे नीचे का आदत हो गया, ऊपर गया ढंग कर मैं देखा वो जो बनाया था ऊपर बहुत जगह है आराम से खींच सकता था, वो अपना दरवाजे का फ्रेम कहीं से ला के छोटा बना दिया, हाँ अपना खड़ा होके देखा होगा। गांव के घर वैसे वैसे होते हैं, झुक झुक के जाना पड़ता है, हमारे भी पुराने गांव का घर ऐसे मेरा बहुत सर लगता था उसमें, हमारे नाना जी मेरे लिए फिर सामने वाला तुड़वा के लंबा किए, छोटा रहता है बहुत पुराना स्टाइल जो घर होता है ना, पता नहीं ऐसे बनो जानवर से बचने के लिए या धूप से बचने के लिए, गर्म इलाकों में जगह और खिड़की छोटा छोटा होता है धूप कम आ जाए रोशनी से बचने के लिए, यहाँ का ठीक है 6.5 फुट का बना है ऊपर। सत्याभास का मतलब क्या है कि वास्तविकता हमको कल्पना के रूप में स्वीकार हो जाए, चित्रित हो जाए। आभास, भास का मतलब क्या है, वास्तविकता, अब सारा वास्तविकता है, एक आदमी को वास्तविकता है, आदमी कुछ सोचता है वो एक वास्तविकता है, मुझ में स्नेह होता है ये एक वास्तविकता है, स्नेह के बारे में कुछ लिखा है एक वास्तविकता है, अखंड समाज लिखा है वो मेरे अंदर चित्रित हो जाए, चित्रण के रूप में स्वीकृति है ना। तो चित्रित कैसे होता है, मन और वृत्ति, मन वृत्ति के अनुरूप जब हो जाता है तो भास संभव है, मन जब वृत्ति के अनुरूप नहीं है तो भास नहीं होता है। आभास में क्या होता है, वृत्ति चित्त के अनुरूप होता है टेक्निकली जीवन में जो होता है, तो उसमें क्या होती है, ये जो पूर्णता आता है चित्रण में, उस चित्र के किसी एक भाग के बारे में स्पष्ट स्वीकृति बन जाती है, उसमें तर्क जुड़ जाता है, तो आभास में क्या हो रहा है, तर्क जुड़ रहा है, जीवन क्रिया में कहाँ हो रहा है आभास, वृत्ति और चित्त के योग फल में आभास। तो अस्तित्व का कोई एक भाग और क्लियर हुआ तो भास होने में क्या होता है, ये है व्यापक वस्तु है जीवन है, ये हमारे कल्पना रूप में स्वीकार हो गया है ना, जागृति होता है ठीक, अभी दर्शन के क्रम में ये आएगा, नहीं तो सत्य भास के यदि हम दायरे को देखेंगे तो बहुत बड़ा है, सारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सपोर्टेड बाय मैथमेटिक्स सारा सत्य ही है यदि वो सही है, क्योंकि नियमों का ही अध्ययन होता है, अनियम का तो अध्ययन होता नहीं है ना, तभी एरोप्लेन उड़ता है, एरोप्लेन उड़ना इस बात का प्रमाण है कि उस नियम को आदमी ने ठीक से समझा, नहीं तो गिर जाता, नहीं
आदमी अपने मन के अनुसार एरोप्लेन बनाएगा कि प्रकृति में जो अलाउड है उसके अनुसार एरोप्लेन बनाएगा, जो अलाउड है उसके अनुरूप एरोप्लेन बनाना पड़ता है। तो उसमें कितने लोग बैठेंगे, कितने स्पीड से जाएगी, कितने स्पीड उसका टेक ऑफ स्पीड है, 280 किलोमीटर पर आवर में एक पर्टिकुलर विंग स्पैन होने से एयर का जो प्रेशर है वो उसके जो वो है विंग स्पैन है वो विंग को नीचे से प्रेशर उठा, हवा ही उठाता है, हवा का जो रिएक्शन है वो एरोप्लेन को उठाता है। मैं कब जब भी एरोप्लेन से यात्रा किया वो चमत्कृत ही करता है मुझे, इतना कॉम्प्लेक्स। अधिकांश लोग उसमें बैठ के पेपर पढ़ते हैं या मूवी देखते रहते हैं, फिर चाय मंगाते हैं, चाय पीते हैं। तो स्थिति संकेत ग्रहण क्रिया होते हुए भी विश्लेषण क्षमता का अभावता ही होतव्यता में ज्ञातव्यता में अभावता, यही वो लाइन है। इतना स्थिति संकेत मिल रहा है भाई, तुमको 30,000 फुट तक उठा दिया, उसके बाद भी तुम्हारे खोपड़ी में ये नहीं आ रहा है कि मैं कैसे उठा है। तो मतलब देखना कोई गलत नहीं है, कह रहा हूं चमत्कृत करता है सच में एरोस्पेस, वो सारा भास अस्तित्व की आंशिकता की स्पष्ट स्वीकृति। अब इस संपूर्णता के किसी एक भाव के बारे में तर्क जुड़ गया, हमको लॉजिकली पता चलता है कि ये ऐसा है इसीलिए ये ऐसा होने के कारण इसीलिए ऐसा है, ये आभास। उसका प्रयोजन स्पष्ट हो जाना है ना, जीवन है जीवन का प्रयोजन, न्याय है न्याय का प्रयोजन, शरीर है शरीर का प्रयोजन, उसकी स्पष्ट स्वीकृति बराबर प्रतीति बराबर साक्षात्कार, अस्तित्व संपूर्णता में से के लिए पूर्ण स्वीकृति बराबर अनुभव, पूरी बातों की पूर्ण स्वीकृति। आभास के और भी सारे परिभाषाएं आपको मिलेंगे दर्शन में, उसको आप शोधपूर्वक कर सकते हैं। आभास का एक परिभाषा आता है सत्य सहज होने की सामान्य स्वीकृति, ठीक है ये 44 को कर लेते हैं फिर कि कल आके करें, 1:05 हो गया, कल आ जाए और बहुत सारा पैराग्राफ है उसमें, फिर हड़बड़ी में करना पड़ेगा। अब कल तो पूरा हो जाएगा हमारा, कितने दिन बचा है, 8-10 है, 2 दिन बच रहा है, 8 दिन में पूरा हो गया, 11-12-13 3 दिन बचा है, आज 10 है तो 11 को पूरा हो जाएगा, तो 12-13 2 दिन बचेगा, और पहले 1.5 दिन मैंने और कुछ लिया था, तो 8 - 1.5 कितना होता है, 6.5 days, 6.5 days के सेशन में, वही मेरा अनुमान था, मैंने बोला था कि 5-6 दिन में पूरा हो जाता है पुस्तक, बहुत खींचेंगे तो 7 दिन। ठीक है, बुक का देखते हैं। ठीक भैया, वो सेशन की बात हुई थी वो बाद में लेंगे या फ्री हो आप? स्वदन, हाँ ये करके समय बचेगा उसमें कर लेंगे, परसों करेंगे बुक का पूछना, हाँ आपको बचा हुआ बुक्स में, ठीक है ना, हाँ। परसों स्वदन पर थोड़ा बात कर लेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, और इनको कुछ अन्य पुस्तकों से अभ्यास दर्शन में कुछ बचा है, जीवन विद्या परिचय में कुछ बचा है उसको कर लेंगे, और इस बुक का यदि कोई समरी करना है तो सो कर लेंगे भैया। और उसके अलावा जैसे आपने उस दिन ओपन सेशन लिया था 4-5 वाला, तो ऐसा लगा कि बुक में जो भाषा है उसके अलावा भी जो भाव के रूप में अभी हमारे अंदर आ रहा है, तो उसमें भी जो छोटे छोटे बिंदुओं में अटकाव है वो क्लियर हो रहा है। सब अपने पास यहाँ पर बैठ के, आज आपके पास समय नहीं है, आज हाँ क्या करना, 4-5 फिर से वैसे ही कुछ ओपन सेशन जैसा, नहीं नहीं कर सकते हैं, बट फिर बाकी का 2 दिन क्या करेंगे, आचार डालना पड़ेगा, नहीं जो समय बच गया उसी में करेंगे, धूप भी निकल गया आचार ही डालना पड़ेगा फिर, क्योंकि आगे का पुस्तक और कोई पढ़ाना है, मैं उसको पढ़ा उसमें घुस जाएंगे तो सिस्टम बिगड़ जाएगी। कल का पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास 2 दिन पूरा है ना, तो स्वधन 1 घंटे से ज्यादा का चर्चा नहीं है, 1.5 घंटे में स्वधन पूरा हो जाएगा, एक टाइम टेबल बना लेते हैं, कल इस पुस्तक को पूरा कर लेंगे, 11th, 12th का फर्स्ट हाफ,
हम स्वधन पे कर लेंगे। ट्वेल्थ का सेकेंड हाफ आपका जीवन अध्याय परिचय का बचा हुआ, वो कुछ भी बचा हुआ उसको पूरा कर लेंगे। 13 का फर्स्ट हाफ, 13 का पूरा दिन हम दोनों सेशन में हम ओपन सेशन कर लेंगे, इधर ही क्लास में ही हो गया, ठीक है ना। ओपन सेशन के लिए कुछ चाहिए भी ना, चर्चा के लिए, ठीक। बहुत ज्यादा करने से भी ओवरलोड हो जाता है, थोड़ा ब्रेक भी चाहिए, वही वही पचना भी चाहिए, नहीं तो अजीर्ण हो जाता है। पढ़ी नहीं पाता।